अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है इसको तो पूरा सॉल्व कर लिया है। एमसीक्यूज जो है वो भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। इंशाल्लाह इस लेक्चर में चैप्टर्स का ऑप्शन जो यूट्यूब पे होता है वो मैं इनेबल कर दूंगा। एक ही लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ जिसमें सब चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर्स का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके आप लोग देख लेना। तो डायरेक्ट कोई भी अगर आपको चैप्टर समझ जाए तो वहाँ पर आप लोग चले जाना। चैप्टर नंबर वन में बच्चों रिव्यू एक्सरसाइजेस में सबसे पहले एमसीक्यूज थे, वो तो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी थ्योरी में आप लोगों को करवा चुका हूँ, दोबारा करवाने की सेंस नहीं बनती। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर टू को देखो तो इसमें वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है, तो वो तो आप लोग आसानी से कर लोगे, उसमें ऐसा मसला नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री में आओ तो आपको कॉन्जुगेट निकालना है, फिर जेड वन माइनस जेड टू करना है, उसके बाद कॉन्जुगेट। तो ये बेसिक बेसिक बातें जो है ये आप लोगों ने ऑलरेडी सीख ली है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये भी सवाल मैंने आप लोगों को करवाया हुआ, ये भी आप लोगों को आता होगा। क्वेश्चन नंबर फोर पे अगर आप आओ तो फोर में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसका पार्ट नंबर टू हम कर लेंगे। पार्ट नंबर वन जो है उसमें तो जस्ट आपने कंपेयर करवाना है, फाइव एक्स को माइनस एक्स के बराबर रखना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जीरो आ रही होगी। फिर इस तरह जो इमेजनरी पार्ट है थ्री वाई, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट टू वाई है, इनको आपस में बराबर रखना, सॉल्व करना, यहाँ से भी वाई की वैल्यू जीरो आ रही होगी, तो एक्स और वाई दोनों यहाँ पे जीरो आ रहे होंगे। आ जाओ पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू को आप कैसे सॉल्व करोगे? पार्ट नंबर टू में मेंशन किया है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन आयोटा वाई। और अगर आप राइट हैंड साइड पे जाओ तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, पहले मैं रियल लिख देता हूँ, रियल है माइनस ट्वेल्व और इमेजिनरी में है आयोटा वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी आयोटा। ये आपके पास लेफ्ट और राइट साइड दी हुई है। सॉल्व किस तरह करोगे? देखो, आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर सबसे पहले रियल को एक साथ लिखना है, ये ऑलरेडी साथ लिखा हुआ है, लेकिन चलो आप ब्रैकेट लगा के इसको एक साथ लिख लो, ठीक है। और ये नाइन वाई आयोटा, इसको आपने लिख लिया। इसी तरीके से रियल यहाँ पे माइनस ट्वेल्व है, जबकि यहाँ पे इन दोनों में आयोटा आ रहा है, तो आप आयोटा कॉमन ले लो। पहली टर्म में से वाई स्क्वायर आएगा, दूसरी में से टू एक्स आ जाएगा। दरमियान में इक्वल है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं और दरमियान में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स बराबर होगा यहाँ पे रियल पार्ट के। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। सिंपल एक ऑर्डर इक्वेशन है जिसकी मिडिल टर्म ब्रेक भी उठ सकती है, फोर और थ्री आप बनाओगे, इसको आपने पूरा सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे। फिर आप यहाँ से निकालोगे, इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करोगे, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है नाइन वाई और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है वाई। अच्छा, ये टू एक्स नहीं होगा, टू वाई होगा। एक सेकेंड, नहीं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ट्वेंटी आई है, सॉरी ये ट्वेंटी आई है जिसमें मैंने मिस्टेक की है, तो ये ट्वेंटी होगा। अच्छा जी, तो 9y को आप कंपेयर करोगे y स्क्वायर प्लस 20 से, सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, 9y को जब आप उधर लेकर आओगे तो नेगेटिव 9y हो जाएगा और बाकी प्लस 20 और y स्क्वायर तो अपनी जगह पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब अगेन इसको सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, 4 और 5 यहाँ पे फैक्टर बनेगा और आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दो एक्स की वैल्यूज आ रही होंगी, दो वाई की वैल्यूज आ रही होंगी, आपके पास सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर फाइव पे आओ तो वो भी बहुत ही बच्चों इजी है, सिंपल बोला हुआ है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में बहुत किए थे। यहाँ पे आप जेड की वैल्यू पुट कर देना, जो न्यूमिरेटर बनेगा सिंप्लीफाई करना वही रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा। फिर डिनोमिनेटर में भी जेड की वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई कर लेना, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर होगा, एक नीचे होगा, आप जिस तरह डिवाइड करना आपने सीखा उस तरह डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये तो बड़ा ईजी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको बोला हुआ है कि आपने एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मौजूद था, ये भी हमने किया हुआ था। बाकी ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जस्ट पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे। इक्वेशन है जेड स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री आयोटा जेड माइनस फाइव प्लस आयोटा। तो ये एक किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आप इसको बोलोगे, बस इसके जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, टू माइनस थ्री आयोटा कॉन्स्टेंट यहाँ पे है, माइनस फाइव प्लस आयोटा। तो सॉल्व करने का तरीका इसका भी वही होगा जैसे आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो किस तरह सॉल्व करते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। मैं शॉर्ट शॉर्ट से आपको बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था एक्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अच्छा, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि हमेशा एक्स आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि आपने देखना होता है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कॉन्स्टेंट क्या है, सॉरी वेरिएबल क्या है, अननोन क्या मौजूद है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो जेड है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जेड आएगा। अच्छा, पहले आप ए बी सी लिख देना, बी यहाँ पे क्या होता है, जो जेड का कोफिशेंट है, जेड का कोफिशेंट ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर है प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का आपने स्क्वायर करना है, माइनस को इग्नोर कर दो स्क्वायर में तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, टू माइनस थ्री आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा,
फिर है फॉर्मूला माइनस फोर ए सी, सी यहाँ पे है माइनस फाइव प्लस आयोटा। अच्छा जी, इसको आपने डिवाइड करना है टू ए से, ए तो यहाँ पे वन है तो ये नीचे टू आएगा। बाहर मौजूद है टू माइनस थ्री आयोटा, जबकि अंदर अगर आप सॉल्व करोगे तो इस पर जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये फोर हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व आयोटा प्लस नाइन आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो प्लस ट्वेंटी हो जाएगा, माइनस फोर को इससे करो तो माइनस फोर आयोटा, नीचे आपके पास टू आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसको एज इज रहने दो, न्यूमरेटर को ज़रा सिंप्लीफाई करो, सॉरी स्क्वायर रूट की टर्म को, ये हो जाएगा फोर माइनस, अच्छा नाइन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये माइनस नाइन है, तो फोर माइनस नाइन माइनस फाइव, इसी तरह ये प्लस ट्वेंटी, तो माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी ये हो जाएगा फिफ्टीन। फिर लिखा हुआ है माइनस ट्वेल्व आयोटा, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस फोर आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन आयोटा डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अच्छा मुझे लगता है इतनी आंसर होगा क्योंकि आप लोगों के लेवल पे स्क्वायर रूट लेने को नहीं सिखाया हुआ, जरा तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये वन पॉइंट सी का क्वेश्चन नंबर सेवन है रिव्यू एक्सरसाइज में, सॉरी वन की रिव्यू एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर सेवन है। तो हाँ देखो, आप लोगों ने यहीं तक छोड़ा हुआ है, टू माइनस थ्री आयोटा अपॉन टू एलसीएम ब्रेक किया हुआ है, फिफ्टीन माइनस सिक्स आयोटा अपॉन टू। वैसे एक टॉपिक होता है जिसमें ये ई केड लेवल पे तो मैंने बताया हुआ है बच्चों को कि कोई भी स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने निकालना हो तो क्या मेथड होता है, डी मॉयबर थ्योरम के जरिए से आप निकाल रहे हो तो, लेकिन आप लोगों की बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ तो यहीं तक ही आपका आंसर आ जाएगा। रही बात बाकी क्वेश्चंस की, तो बच्चों वेरीफाई करना है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेफ्ट और राइट आपकी बराबर आनी चाहिए, वो डेफिनेटली बराबर आ रही होगी, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और नाइन लिखा हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर, ये एक्जैक्ट 1.3 में यही काम आपने किया था कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर। तो कोई नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो मैं यहाँ पे करवाऊँ, जो मैंने मेथड वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंप्यूटिंग स्क्वायर वाली टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है, सेम वो यहाँ पे अप्लाई करोगे और आंसर मैच कर लोगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर टू पे आ जाओ, एमसीक्यूज तो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टू बहुत सिंपल है, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, कंडीशन आपको क्या गिवन है, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो और ये बराबर है इसके, तो बहुत इजी काम है। आप इस टाइप के सवाल आपने किए हैं पहली एक्सरसाइज में, आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, एक्स को थ्री में करो फाइव माइनस फोर वन होता है, सेवन प्लस वन एट, वाई माइनस थ्री को टू में ऐड करोगे तो वाई माइनस वन हो जाएगा। तो जो यहाँ पे टू बाई टू की मैट्रिक्स होगी उसको यहाँ से इक्वेट करवाना, सॉल्व करोगे आपके पास एक्स और वाई डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा आप क्या करोगे, देखो फाइव माइनस फोर वन है तो देखो यहाँ पे वन लिखा है, इस तरह सेवन प्लस एट, सेवन प्लस वन एट होते तो यहाँ पे एट लिखा हुआ है, तो कंपेयर आप किस एलिमेंट्स को करवाओगे जिसमें एक्स और वाई आ रहा है, जैसे एक्स और थ्री को ऐड करोगे तो आप उसको कंपेयर करवाना सेवन से, वाई माइनस थ्री को टू के अंदर ऐड करवाओगे तो उसको कंपेयर करवाना फोर्टीन से, और वहां से आपके पास एक्स और वाई आ जाएगा। टू में तो आपको जस्ट वेरीफाई करने को बोला हुआ, ये चीज वेरीफाई करनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए और बी को ऐड करोगे, जो मैट्रिक्स आएगी उसको सी से मल्टीप्लाई करना, राइट हैंड साइड पे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर ये नॉर्मली पुरानी बुक में होता था, ये करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने कहा ये आई बता दूं आप लोगों को, वैसे तो बच्चों को पता ही होगा आई के बारे में। ये लिखा हुआ क्या, आपको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई जीरो के बराबर है। अच्छा ये जीरो नहीं है, इसको नल मैट्रिक्स आप कहोगे। देखो ये आपके पास सिंपल एक इक्वेशन है, अब यहाँ पे ए जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, जब ए वैल्यू होती है तो रिजल्ट में आपके पास जीरो आ रहा होता है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है। याद रखना मैट्रिक्स के रिजल्ट में कभी कोई आपको नंबर एलिमेंट नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स के रिजल्ट में आपको मैट्रिक्स ही मिलेगी, तो उसको जीरो बोलना गलती हो जाएगी। तो दैट अच्छा वर्ड क्या होगा, नल मैट्रिक्स, जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको बेसिकली प्रूव करना है कि ये पूरी चीज जो है ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स का आंसर किसी जीरो के बराबर नहीं होगा, हाँ जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, जिसकी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप सवाल लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड पिक करना, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, अच्छा अभी पिक नहीं करना, आप जस्ट प्रूफ की हेडिंग डालना, प्रूफ के बाद सबसे पहले आप तीन चीजें मालूम कर लेना। पहली चीज है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है, ए को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके पास सिंपल ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने मालूम करना है फाइव ए, माइनस को दरमियान में रहने देना, फाइव ए मतलब जो मैट्रिक्स ए होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है फाइव से, तो आपके पास फाइव ए आ जाएगा। फिर आपने मालूम करना है सेवन आई, सेवन आई क्या होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब सवाल है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नॉर्मली कभी आई के नीचे ना टू लिखा हुआ होता है, आई टू इसका मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, मतलब टू बाई टू, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर होगी ना। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है, जब बाकी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर टू बाई टू होगा तो आइडेंटिटी का अगर थ्री बाई थ्री कर दोगे तो वो ऐड कैसे होगी, ऐड तो हो ही नहीं सकती। तो फिर आपने बाय बिल्टन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या लेना है, टू बाई टू ही लेना है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सेवन से। सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वन जीरो जीरो वन,
तो जो जो वन वन आ रहे हैं ना उसके डायगनल के अंदर, सेवन से मल्टीप्लाई करोगे सेवन सेवन हो जाएंगे। जब ये तीनों मैट्रिक्स आपके पास आ जाएंगी ना, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन है, या सिंपल हाँ इसी तरह कर लेना, या प्रूफ की बाद में हेडिंग डालना, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेना, पहले जस्ट आप सॉल्यूशन पे आ जाना, इस टाइप की, ये इतना मैटर नहीं करते। तो ये पिक करने के बाद आप ए स्क्वायर पुट करना, फाइव ए पुट करना, सेवन आई पुट करना। सबसे पहले ए स्क्वायर और फाइव ए को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसको ऐड कर देना इसके अंदर। आप ऑब्जर्व करोगे आंसर नल मैट्रिक्स आ रही होगी, और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, टू बाई टू होगा, क्योंकि सब मैट्रिक्स जब एड सब्ट्रैक्ट होंगी तो रिजल्ट में ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ना, टू बाई टू रह रहा होगा। अच्छा जी, फाइव में आ जाओ। फाइव तो ये सवाल आपने टू पॉइंट वन में किए थे, आपको निलपोटेंट की डिग्री निकालनी है, मतलब इसकी कौन सी पावर पे आंसर जीरो आ रहा है। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालना, अगर ए स्क्वायर पे जीरो नहीं आ रहा फिर ए क्यूब निकालना, ज़्यादातर ए क्यूब या ए स्क्वायर पे जीरो आ जाता है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा किस पावर पे ये निलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब इसकी किस पावर पे ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ रही है। ये सब डेफिनेशन ना मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवाई थी, अगर आप लोगों को याद हो 4.1 में शुरू में सारे टॉपिक डिटेल में बताए थे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें किसी भी पावर पे आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिपोटेंट थी कि स्क्वायर का आंसर ए के बराबर आ जाए, इनवॉल्यूटरी थी कि स्क्वायर का आंसर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, और पीरियोडिक तो होता है कि वो रिपीट कर रही होती है किसी भी पावर के ऊपर। जैसे सिक्स में बोला हुआ है कि आप शो करो कि मैट्रिक्स जो है इसका पीरियड जो है वो टू के बराबर है, ऐसा यही एग्जांपल बुक में लिखी हुई भी है। मजे की बात है कि जहाँ पर उन्होंने पीरियडिक मैट्रिक्स जिक्र किया है ना, वहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की हुई है उन्होंने। तो ये है एग्जैक्ट, ये एग्जांपल है शो दैट कि मैट्रिक्स जो है ये पीरियडिक मैट्रिक्स है ऑफ पीरियड टू। आसानी मतलब हैं भी दोनों के ऑर्डर भी, मतलब एग्जैक्ट सेम ही मैट्रिक्स है मुझे लगता है। हाँ, इन्होंने एग्जैक्ट ये जो एग्जांपल है ना उसका सवाल बना दिया कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि इसका पीरियड जो है वो टू है। अच्छा, पीरियडिक मैट्रिक्स मैंने बोला था कि अगर पीरियड टू है ना तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर जब क्यूब करोगे तो इसका आंसर ए के बराबर होगा, अगर पीरियड थ्री है इसका मतलब इसकी पावर फोर करोगे तो ए के बराबर होगा। जैसे आपको बोला हुआ था कि प्रूफ करो ये मैट्रिक्स का पीरियड टू है, मतलब इसकी पावर क्यूब करोगे तो रिजल्ट इसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, और ये चीज़ इन्होंने प्रूफ की होगी यहाँ पे। ये देखो, ए क्यूब जब आपने किया तो आंसर इसका क्या है, ए के बराबर आ रहा है। तो ये भी ऑलरेडी सवाल कवर हुआ है। सेवन में आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिपोटेंट ऑन इनवॉल्यूटरी। देखो, आइडेंटिपोटेंट में क्या होता है कि ए स्क्वायर बराबर होता है ए के, और इनवॉल्यूटरी में क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है आई के। तो आपने क्या करना है, इसमें दोनों मैट्रिक्स के अंदर ए स्क्वायर निकाल लेना। अब अगर वो ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए तो बता देना ये आइडेंटिपोटेंट है, अगर आई के बराबर आ जाए तो बता देना इनवॉल्यूटरी है। एट में बोला हुआ है कि स्क्यू और हर्मिशियन मैट्रिक्स दोनों की कंडीशन आपको पता है कि अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो उसका मतलब वो हर्मिशियन है, अगर माइनस ए के बराबर तो स्क्यू हर्मिशियन है। ये टॉपिक भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो ये कंडीशन होती है हर्मिशियन की, और ये वाली कंडीशन होती है स्क्यू हर्मिशियन की। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर नाइन पे आओ तो नाइन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स शो दैट। आपको प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये हर्मिशियन है, मतलब ये जो पूरी मैट्रिक्स है ना, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये पूरी चीज जो है ये भी क्या होनी चाहिए, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ये पूरी चीज क्या है, ये स्क्वायर हर्मिशियन है। अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, बहुत आसान तरीका है, इसको वो स्टेप्स बना के कर लेना। मैं आप लोगों को मेन मेन बात बता देता हूँ यहाँ पे कि बिलफर्स क्वेश्चन नंबर नाइन के पार्ट नंबर ए को आपने सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हर्मिशियन की कंडीशन पता होनी चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स को आप हर्मिशियन कब बोलोगे, जब उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर होगा उसके, ये कंडीशन होती है। कोई भी मैट्रिक्स अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसको आप हर्मिशियन कहते हो। तो आप लिख देना सबसे पहले सवाल में कंडीशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, ये कंडीशन है। अब आप जो सवाल के ऊपर आपको बताना है, मतलब आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये हर्मिशियन है, तो कंसीडर कर लो कि ये जो पूरी मैट्रिक्स है, जब आप एड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज सब करोगे रिजल्ट में कोई एक मैट्रिक्स आएगी ना, उसको फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे देता हूँ बी का, फादर मैंने बी का नाम दे दिया, कि कोई भी इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट में एक मैट्रिक्स आएगी, उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब अगर जो मुझे कंडीशन प्रूफ करनी है, कंडीशन मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करनी है, ये क्यों, ये कंडीशन क्यों प्रूफ करनी है, कि आपको सवाल में बताना था कि यार ये जो है ना पूरी हर्मिशियन है, इस पूरी चीज को मैंने नाम दे दिया बी के बराबर, तो उसका मतलब ये जो बी है ना वो हर्मिशियन प्रूफ करनी है आपको, और बी हर्मिशियन कैसे प्रूफ होगा, अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। अगर आपने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसका मतलब बी जो है वो हर्मिशियन है, और अगर बी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी तो मतलब ये वाली पूरी चीज भी क्या होगी, हर्मिशियन होगी। अब कैसे प्रूफ करोगे, सिंपल, सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट, अच्छा इसमें मैटर नहीं करता बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लो या बी ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लो, बात एक ही होती है। हम चलो सबसे पहले बी कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, तो ए प्लस
ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इस पूरी चीज का आपने क्या मतलब पूरे बी का आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो टर्म एड सेपरेट हो रही है आप अलग अलग कॉन्जुगेट अप्लाई करते हो तो ए के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है, और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ए कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब सवाल ये के ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लो ये किसके बराबर होगा, बच्चों ये सिंपल बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज के। उसकी वजह क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि अगर आप ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लो ये बराबर होगा कि आप ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लो, ये एक ही बात है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। और जब इसका आप दोबारा कॉन्जुगेट लोगे तो आपको पता है जब दो दफा कॉन्जुगेट लेते हैं तो बात एक ही हो जाती है, जब आप दो दफा कॉन्जुगेट लोगे तो रिजल्ट में जस्ट ए ट्रांसपोज रह जाएगा, चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था। तो जो पूरी चीज आपके सामने लिखी हुई ये बराबर हो जाएगी ए ट्रांसपोज के। तो आपने बी कॉन्जुगेट निकाला, ये पूरा बी कॉन्जुगेट है। अब आप क्या करो, इस बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, मतलब आपको किसका ट्रांसपोज निकालना है, आपको इस पूरी चीज का ट्रांसपोज निकालना है। यहाँ पे अगेन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, आप दोनों अलग अलग ये ट्रांसपोज है, अगर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं तो आप अलग अलग इनका ट्रांसपोज ले सकते हो। तो आप यहाँ पे ए कॉन्जुगेट का भी ट्रांसपोज लोगे और ये जो ए ट्रांसपोज है इसका भी आप दोबारा क्या लोगे, ट्रांसपोज लोगे। तो रिजल्ट में क्या आएगा, ये तो एज इज रहेगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जब किसी मैट्रिक्स का आप दो दफा ट्रांसपोज लेते हो तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया। अब जरा आप गौर से ऑब्जर्व करो, ये है बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, एग्जैक्ट तो यही बी तो है। अगर आप बी का फॉर्मूला देखो, बी भी तो ये ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और बी जो है ये आपस में बराबर है। तो ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये किसके बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों चीजें ये वाली चीज और ये चीज बराबर है, इसका मतलब ये जो पूरी मैट्रिक्स है ना जो भी आ रही होगी जिसको मैंने बी का नाम दिया, ये क्या है, यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सेम यही टेक्निक लगा के आपने स्क्यू हर्मिशियन भी प्रूव करना है, वो बड़ा आसान होगा। स्क्यू हर्मिशियन में आप क्या प्रूफ करोगे कि बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस बी के। वहां पे मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन क्या बन रही होगी, इस वाली मैट्रिक्स को ना आपने बी के बराबर लेट करना होगा, या चलो पार्ट नंबर बी अगर दोनों पेपर में आ रहे हैं तो आप सी का नाम दे देना, इस पूरी मैट्रिक्स को ना सी का नाम देना, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पेज हम जाया नहीं करना चाह रहे अपना, तो ऊपर मेंशन कर देते हैं सी जो है वो बराबर होगा ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले वही काम करो, आप यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालो, जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इसका कॉन्जुगेट होगा ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज, निकाल लेना कॉन्जुगेट। फिर आप इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज होगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे सी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है ना वो सी के बराबर नहीं है, इसमें और इसमें फर्क है, तो आप क्या करना है इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेना। जब माइनस कॉमन लोगे ये हो जाएगा ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है, और ये पूरी चीज जो है ये किसके बराबर है, ये सी के बराबर है। तो यहां से कंडीशन क्या प्रूव होगी, सी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर है माइनस टाइम, ये पूरी चीज क्या है, सी के बराबर है। तो अगर आप याद रखो, मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो ये स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन होती है, इसका मतलब ये जो पूरी मैट्रिक्स है यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इस तरीके से आप प्रूव करोगे। जहां तक रही बात बच्चों 10 की, 10 में आपको प्रूफ करने के जो पूरा डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर है। तो देखो जब आपका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज के जरिए से आप सॉल्व करोगे इसको, पेपर में शायद लिखा हुआ भी आ सकता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करोगे तो खैर बेवकूफ भी आप हो गए, बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी यूज करके आप आसानी से जीरो प्रूफ कर सकते हो। प्रॉपर्टीज कौन सी दो आपने प्रूफ करनी है, मतलब कौन सी दो इस्तेमाल करोगे, वो जो एक प्रॉपर्टी थी कि रॉ सेम हो जाए दो, या किसी रॉ को आप जीरो कर दो, तो यहाँ पे रॉ सेम करने वाली होगी। कैसे, जस्ट आपने एक काम करना है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे R2 के अंदर ऐड कर देना है माइनस R1 को, इस तरह भी लिख सकते हो, R2 माइनस R1 भी लिख सकते हो, मैंने तरीका बताया था क्लास में किस तरीके से नोटेशन होती है। तो आप R2 माइनस R1 कर दो, मतलब एग्जैक्ट पहली वाली रॉ एज इज रहेगी, जो दूसरी रॉ है ना उसमें माइनस कर दो R1 को, तो दूसरी रॉ थी ए प्लस टू एक्स, ठीक है, इस तरह करते हैं ए प्लस टू एक्स है ना, तो आपने माइनस कर देना है आर वन को, आर वन क्या है ए। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट क्या है बी प्लस टू वाई, आपने माइनस कर देना है आर वन को तो माइनस बी। इसी तरीके से सी प्लस टू जेड, माइनस कर देना है आपने सी को, और जो आखिरी वाली रॉ है वो अपनी जगह पे रहेगी। तो ये करने से फायदा ये होगा कि ए से ए कैंसिल, आपके पास ये रिजल्ट आ रहा होगा ए बी सी, इधर आ रहा होगा टू एक्स टू वाई टू जेड, नीचे आ रहा होगा एक्स वाई जेड। तो जस्ट आप दूसरी रॉ से टू कॉमन ले लेना तो आपकी दोनों रॉ सेम हो जाएंगी, डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। 11 के अंदर बड़ा इजी है ये सवाल, मेरे ख्याल में पुरानी बुक में होता था।
अब देखो इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब आप पहले प्रॉपर्टी लगाओगे उसके बाद एंड पे आप एक्सपेंड करोगे इसको। तो आप एक काम करो, कॉमन लेने वाली टेक्निक ले लो। कॉमन कैसे लोगे, आप कॉलम टू कॉलम थ्री जो है इसको ऐड कर दो कॉलम वन के अंदर। तो x और y को जब इसके अंदर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x plus 2y plus 2z। इसी तरह y और y plus z plus 2x को ऐड कर दो z के अंदर, अगेन यहाँ पे भी 2x plus 2y plus 2z आ जाएगा। सेम इनको भी ऐड करो तो जो कॉलम वन है ना वो आपका हो जाएगा 2x plus 2y plus 2z। तो उसको कॉमन ले लेना तो कॉलम वन में वन 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 आ जाएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है क्या करते हो, सबट्रैक्ट कर रहे होते हो आप लोग। तो किसी तरह तीन वन है ना, तीन वन से आप दो वन को जीरो कर दोगे, वो आपकी मर्जी है। रॉस को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे जो क्लास में मैं आप लोगों को बताया था। तो जब दो वन जीरो हो जाएंगे दैट्स इट, एक ही वन बचेगा। आप कॉलम नंबर वन से एक्सपेंड करना और आपके पास डायरेक्ट ये वाली चीज़ आ जाएगी। बाहर जो आपने कॉमन लिया होगा ना उसको भूलना मत। नॉर्मली मैं भी या बच्चे ना जो कॉमन लेते हैं उसको भूल जाते हैं, डिटरमिनेंट पे फोकस करते हैं। तो जब आपने कॉमन लिया होगा ना तो ये 2x plus 2y plus z ये तो बाहर ऑलरेडी मौजूद होगा, मैंने टू कॉमन लिया है ये ऑलरेडी बाहर मौजूद होगा। जब पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे ना तो एक्स्ट्रा चीज़ ये आ रही होगी आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी आपने कॉमन लिया होगा। फिर जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि शायद इन वाले सवालों में माइनस भी आता था इधर, शायद पुरानी बुक में, तो मुझे कन्फर्म नहीं पता, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। अगर यहाँ पे आंसर में आपके पास नेगेटिव आ रहा है ना इसका मतलब आपने सही किया होगा, मतलब देख लेना गलती ना की हो आपने, वरना मे भी इसका आंसर शायद नेगेटिव आ रहा हो, करके देख लेना। क्योंकि मुझे शक पड़ रहा है कि पुरानी बुक में जब ये सवाल होता था तो शायद नेगेटिव होता था, देख लेना। अगर तो प्रूव हो गया दैट्स इट, नहीं प्रूव हुआ अगर माइनस आ रहा हो तो समझ जाना कि आपने सही किया, बुक में मिस्टेक हुई भी है। खैर अच्छा जी, ये आखिरी वाला सवाल जो है तो सिंपल, आपने सब मेथड लगाने, क्रैमर रूल, गॉश, गॉश जॉर्डन, मैट्रिक्स इन्वर्जन, तो ये सब मेथड ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर थ्री पे आ जाओ। एमसीक्यूज तो हमने सारे कर लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर टू से आपका स्टार्ट हो रहा है। बड़ा इजी सवाल है, पी क्यू आपको मेंशन करना है। पी क्यू लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्यू माइनस पी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। थ्री में आपको बोला हुआ है पी क्यू निकालना है और ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। पी क्यू तो निकालने का तरीका आपको पता है, जब पी क्यू आ जाएगा तो आप पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकाल लेना। जैसे ही आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो यूनिट वेक्टर में आई के साथ जो लिखा होगा वो कॉस अल्फा होगा, फिर जे के साथ जो लिखा होगा वो कॉस बीटा, इसी तरह कॉस गैमा आपको मिल जाएगा, तो सारे डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे। फोर में लिखा हुआ है कि प्रूफ करो। अच्छा इस सवाल में गलती है, अगर आपने कोलिनियर प्रूफ करना है तो ये माइनस टू लिखा हुआ है ना, इस माइनस टू को हटा देना, जस्ट टू होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप माइनस टू के साथ किसी ग्राफ पे भी, अच्छा बाय द वे एक ऐप होती है वो मैंने इस मोबाइल में की भी है, अगर आप उसको डाउनलोड कर लोगे ना उसका फायदा ये होगा, ये 3D है, ये जियो जेबरा के नाम से, मेरी बैटरी कितनी वीक है, जियो जबरा के नाम से एक ऐप आती है उसका 3D कैलकुलेटर है। तो क्योंकि ये पॉइंट जो है इनमें तीन डायमेंशन है तो ये 3D में जब आप करोगे तभी आपको नजर आएगा। तो मैं ना आपको एक ज़रा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सिंपल ड्रॉ करने का तरीका वो ये, ब्रैकेट आपने लिखी 2, फिर आपने लगाया कॉमा, फिर आपने लिखा 3, फिर आपने लगाया कॉमा, फिर 6, ये हो गया, ये पहला पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया जो आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा, कहाँ पर ये रहा, ये ऊपर ये रहा, ये नज़र आ रहा है ना। बाकी भी ज़रा हम ड्रॉ कर लेते फिर देखते हैं इनको। तो ये बच्चों मैंने पॉइंट्स सारे ड्रॉ कर लिए हैं, अगर आप इसको 3D कैलकुलेटर में देखो तो ये आपको सारे पॉइंट्स कोलिनियर लगने हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में आना, ये देखो ये सारे पॉइंट आपको लग रहे एक पॉइंट है ये, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है ये सारे। कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर हो। तो ये मैंने कैसे मालूम किए, ये कैसे मैंने किए हैं, माइनस टू रख के। अगर आप बुक की ये देखो, देखने में आपको लग रहा है एक ही लाइन के ऊपर है ये, ठीक है ये सिचुएशन। तो ये बड़ा अच्छा कैलकुलेटर, आपको बड़ा अच्छा आइडिया होता है। अगर मैं बुक वाले पॉइंट पुट करूंगा ना, सी में क्या लिखा हुआ है माइनस टू, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस टू लगाऊंगा ना तो ये आप देखना, ये देखो ये नीचे चला गया। अब ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, आप इन तीनों पॉइंट से एक लाइन बना नहीं सकते, ये आपको दिखने में लग रहा है, एक सेकेंड, ये देखो अभी एक लाइन में, ये देखो ये दो पॉइंट जो है इनको तो आप छुपा सकते हो इस तरह यूं करके, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है ये नहीं छुपेगा, ये कभी भी एक लाइन के अंदर नहीं है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो एक लाइन के अंदर हो ही नहीं सकते, दैट्स वाई आपने क्या करना है यहाँ पे माइनस टू लगा देना, उसके बाद जब आप ड्रॉ करोगे तो दिखने में आपको पॉइंट एक लाइन में लगेंगे। तो ये 3D कैलकुलेटर होता है, जियो जेब्रा के नाम से ऐप आती है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। सॉल्व करने का तरीका इसका क्या होगा, बड़ा आसान तरीका, हम जो मेथड यहाँ पे यूज करेंगे वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास तीन पॉइंट है ना, पी है, क्यू है, आर है, पी क्यू और आर, आप क्या करोगे इनके पोजिशन वैक्टर निकाल लेना। पोजिशन वैक्टर में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ओरिजन है तो OP, OQ,
ओ आर, तो ये तीन आपके पास ना पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर हैं तो ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या होगी कि अगर आप पी क्यू वैक्टर निकालोगे या आप यहाँ पे पी आर वैक्टर निकालोगे तो ये दोनों वैक्टर आपस में पैरल होंगे। भाई पैरल का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा लाइंस के अंदर, तो आप ये समझते थे ना पैरल लाइंस ये होती हैं, लेकिन वेक्टर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ी ना होता। वेक्टर्स के अंदर कोई भी अगर दो वेक्टर्स लिखे हुए हैं तो ये भी पैरल है। इस वेक्टर को आप ट्रांसलेट कर सकते हो ना, फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। जो ऊपर मैंने वेक्टर लिखा हुआ है इसको मैं नीचे भी ला सकता हूँ, इसके ऊपर ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, जैसे एक वेक्टर इस तरीके से दूसरा वेक्टर इतना बड़ा है, तो आप क्या करो छोटे वाले वेक्टर को ऊपर लेके यहाँ पर ड्रॉ कर लो। एज फार एज उनकी डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहना चाहिए, मतलब एरो की लेंथ सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो आप किसी भी वेक्टर को कहीं भी जाके ट्रांसलेट कर सकते हो। अनलेस आपको बता दें कि यार इसका इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, फलाना फलाना, तो वो तो चलो एक अलग कंडीशन हो जाएगी ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पी क्यू, एक मेरे पास पी क्यू वैक्टर आ जाएगा। जब आपके पास एक वैक्टर लिखा हो ना आई जे के की फॉर्म में, उसको आप कहीं भी ले जाओ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होगा उसके अंदर, बस वैक्टर आना चाहिए आपके पास। तो आप यहाँ पे पी क्यू वैक्टर एक निकाल लोगे, इसी तरह पी आर वैक्टर निकाल लोगे, तो एक पी क्यू वैक्टर आ जाएगा और एक आपके पास पी आर वैक्टर आ जाएगा। अब ये दोनों पैरल होने चाहिए। अगर ये पैरल नहीं हुए ना, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये आपका होगा पी क्यू, ये आपका होगा पी आर। तो देखो पी क्यू और पी आर दोनों अलग होंगे, यहाँ पे पैरल हो ही नहीं सकते यहाँ पे। तो अगर आप इन तीन पॉइंट से दो वेक्टर निकालते हो, इवन एक तीसरा वेक्टर भी निकाल सकते हो क्यू आर, आपकी मर्जी, पी क्यू, क्यू आर या पी आर, ये जो तीनों वेक्टर होंगे ये आपस में पैरल होना चाहिए लाजमी। अगर ये आपस में पैरल नहीं है इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो अगर आपने वेरीफाई करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो आपने क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि दो वेक्टर जो है वो पैरल है। अब सवाल है कि उन दो वेक्टर को पैरल प्रूफ कैसे करोगे। अब अगला स्टेप ये है, जब भी दो वेक्टर पैरल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल पी क्यू को मैं नाम दे देता हूँ ए का, और फॉर एग्जांपल जो पी आर है इसको नाम मैं दे देता हूँ बी का, तो अगर ए जो है वो बी के बराबर होगा या किसी नंबर का मल्टीपल होगा, जैसे ए जो है वो बराबर होगा टू टाइम्स बी, ए जो है बराबर होगा थ्री टाइम्स बी। अगर मैंने क्लास में भी समझाया था इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब ये है कि ए और बी की डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड का फर्क है। के जो है ये सिर्फ एक नंबर है ना, तो सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड का फर्क होगा, एक बड़ा एक छोटा होगा। तो पैरल में यहाँ थोड़ी ना शर्त होती है जरूरी है लेंथ बराबर हो, आगे पीछे हो सकती है। तो कहने का मतलब ये पैरल की कंडीशन होती है। तो अगर आपने किसी तरह ये चीज़ प्रूफ कर दी ना, तो इसका मतलब वैक्टर्स पैरल है, और अगर इनमें से कोई दो वैक्टर पैरल आ गए तो ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट जो है ये कोलिनियर है। आप आ जाओ कैसे प्रूफ करोगे, सिंपल स्टेप्स आप लोग क्लास में मैंने बहुत समझाए थे, बना देना सॉल्यूशन, डाटा, हर चीज मेंशन कर देना, फिर लिखना पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू आर, इनके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, उनको ओ पी का नाम दे देना, ठीक है। ओ पी क्या हो जाएगा, सिंपल यही पॉइंट्स हैं, इनको मैं आई जे के की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका ओ पी हो जाएगा। इसी तरीके से आप ओ क्यू निकालना, थ्री आई प्लस सेवन जे प्लस फोर के, इसी तरीके से आप ओ आर निकालना, फोर आई प्लस एलेवन जे प्लस टू। ये निकालने के बाद नाउ वी हैव टू फाइंड पी क्यू, पी क्यू को फॉर एग्जांपल मैं ए का नाम दे देता हूँ, पी क्यू कैसे आएगा, क्यू माइनस पी, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने निकाल तो दी है, लेकिन अब जब मैं कैलकुलेशन करने लगा हूँ ना तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पी क्यू निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो क्यू माइनस पी कर दो, या एक और तरीका होता है ओ क्यू माइनस ओ पी। बात एक ही है, लेकिन ओ क्यू ओ पी में एक है, आपके पास गिवन नहीं होंगे, आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हो ना, तो बेहतर है कि ये काम ना भी करो तो सही है, कोई इशू नहीं है। वरना ये भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, लेकिन बेहतर तरीका है कि ये काम ना करना, डायरेक्ट क्यू माइनस पी कर देना, आपके पास पी क्यू आ जाएगा। तो क्यू यहाँ पे था टू सॉरी थ्री सेवन फोर, और पी है यहाँ पे टू थ्री सिक्स, तो सॉल्व करना है क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू वन, सेवन माइनस थ्री फोर, फोर माइनस सिक्स माइनस टू, तो ये आपके पास पी क्यू आ जाएगा, जिसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। फिर आप यहाँ पे पी आर निकाल लेना, या आप यहाँ पे क्यू आर निकाल लेना, मर्जी है आपकी। तो पी आर क्या हो जाएगा, आर माइनस पी, अच्छा इस पे एरो नहीं बनाना, एरो वेक्टर के ऊपर बनता है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर एरो बना सकते हो। इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना बी का नाम दे देना आप, तो आर माइनस पी क्या हो जाएगा, सिंपल आर है फोर इलेवन टू, माइनस पी है टू थ्री सिक्स, तो आप सॉल्व करोगे हो जाएगा फोर माइनस टू टू, इलेवन माइनस थ्री ये हो जाएगा एट, टू माइनस सिक्स माइनस फोर, ये ए है और ये बी है। आप कैसे लिख सकते हो, ए जो है ना वो बेसिकली वन अपॉन टू है बी का, आप इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन ये कंडीशन से बेहतर है आप इसको इस तरह लिख दो कि जो बी वेक्टर है वो टू टाइम्स है ए वेक्टर के। कैसे भाई, सिंपल ए को अगर आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो बी आर है,
टू से मल्टीप्लाई करो, टू से करो, टू से करो यार। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप लिख देना सिंस बी इज इक्वल टू टू ए देयर फोर वैक्टर ए एंड बी आर पैरल, और एंड पे लिख देना हैंस ए बी सी, सो हैंस पी क्यू आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि पी क्यू कोलिनियर है, उसकी कैसे वजह पता चली कि जो पी क्यू वैक्टर है ये पैरल है पी आर के। अच्छा, पैरल में जरूरी नहीं होता कि के जो है वो वन के अलावा होना चाहिए, मतलब अगर दो वैक्टर आपस में इक्वल हैं तब भी वो पैरल ही माने जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर निकालोगे, देखना वो इक्वल होंगे आपस में, तो अगर दोनों वैक्टर इक्वल हैं तो तब भी वो पैरल माने जाएंगे। और अगर दोनों में मैग्नीट्यूड का फर्क है लेकिन डायरेक्शन सेम है, मतलब k की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, इवन नेगेटिव भी हो सकती है, एंटी पैरल हो सकते हैं फिर वहां पे वो, तो वो पैरल या एंटी पैरल की कंडीशन ही बनेगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ 5 के ऊपर। 5 में बोला हुआ है कि आपको प्रूफ करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी चीजें ठीक कर लेना वरना सवाल आपका प्रूफ नहीं होगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, 3 को हटा लेना वरना फिर प्रूफ नहीं होगा। तो ये पहला वेक्टर है 1/7i, 1/7j, 1/7k, ये 1/7 तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर दूसरा वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के, तीसरा वेक्टर है 4i प्लस j माइनस 5 के, क्योंकि मिस्टेक थी। अगर आप इनको परपेंडिकुलर करना है, इसी कंडीशन में परपेंडिकुलर होंगे। तो आप क्या करना, इसको प्रूफ कैसे करोगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है आपस में परपेंडिकुलर होना, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये वाला और ये परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे प्रूफ करोगे भाई, सिंपल। यहाँ पे क्योंकि सवाल असल में है इसके अंदर, नहीं ये तो ओवरव्यू एक्सरसाइज के अंदर ना, सही है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन सिंपल डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड वाला इजी होता है कि आप इस वेक्टर को ना नाम दे देना, ए का, इसको बी का, इसको सी का। तो सबसे पहले आप क्या करना है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा होगा, वहां से प्रूव हो जाएगा दोनों परपेंडिकुलर है। फिर आप बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालना, वो भी जीरो आ रहा होगा। फिर आप ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालना, वो भी जीरो आ रहा होगा। तो अगर आपके पास ए डॉट बी भी जीरो है, इसी तरह आपके पास b डॉट c जो है वो भी जीरो है, इसी तरह a डॉट c भी जीरो है, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, जिनको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ कर लेना, हो जाएगा। 6 में बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बड़ा इजी फॉर्मूला होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है। अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर, ये असल काम करवाना है, पहला वाला तो कर लोगे। ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल थ्रू कॉमन इनिशियल पॉइंट। देखो, जब पैरेललोग्राम आप बनाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर इस तरीके से, एक वेक्टर इस तरीके से, तो पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करोगे, एग्जैक्ट इसका फ्री वेक्टर आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, इसका फ्री वेक्टर आप यहाँ पे बनाओगे, तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक तो ये वाला डायगोनल होता है, ठीक है, और इसी की बात की गई है, क्यों, और एक डायगोनल वैसे ये है, ये वाला, लेकिन इसकी बात नहीं की, इन्होंने इस वाले डायगोनल की बात की, कैसे, वो वाला डायगोनल थ्रू कॉमन इनिशियल पॉइंट, जो उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है ना, वहां से जो डायगोनल जा रहा है उसकी बात की गई है। तो वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि ये जो डायगोनल है ना, इसकी डायरेक्शन में आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब सवाल है कि इस वेक्टर को निकालेंगे कैसे, वो तो बात की बात है ना, यूनिट वेक्टर निकालना, ये वेक्टर कैसे आएगा। तो ये बच्चों बेसिकली रिजल्टेंट है, अगर आपको याद हो मैंने पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ ये सब बताया था, ये जो है ये डायगोनल जो है रिजल्टेंट को शो करता है, इसको आर कह देना, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, बाकी दो को अगर आपने नाम दिया होगा ना, तो ये ए प्लस बी के बराबर होगा। आप इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर को ऐड करोगे ना, ये बेसिकली बी है ना, तो ये भी बी होगा, तो ये ए और बी को अगर आप ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट आ रहा होता है। तो ये सिंपल निकालने का तरीका होगा, आप इन दोनों वेक्टर को आपस में ऐड करना, आपके पास आर आ जाएगा। अब जो भी आर वेक्टर आएगा ना, उसको आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो जो रिजल्ट में यूनिट वेक्टर होगा वो बेसिकली इस डायगोनल के डायरेक्शन में होगा, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, 7 की अगर आप बात करो, देखो 7 को सॉल्व करने का एक तरीका मैंने 3.6 के अंदर बताया था, 3.6 में ये वाला सवाल मौजूद था। तो इस वाले सवाल को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका था, वो आप देख लेना जो मैंने आप लोगों को वहां पे बताया हुआ है, जब आई जे के होते हैं, ठीक है, इनकी जो तरीका मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था ना, मैं शायद बताना भूल गया था वहां पे कि इसका जो मेथड है ना, वो एक लंबा वाला मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। अच्छा, शॉर्ट ये सवाल बाय द वे बुक में डिस्कस है नहीं, इन्होंने बोला हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, इस किस्म का कोई भी सवाल इन्होंने सॉल्व नहीं करवाया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेंशन की हुई है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई ऐसा सवाल बुक की एग्जांपल में सॉल्व नहीं करवाया था, लेकिन बुक के क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, और साथ साथ इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में भी आपको दिया हुआ है, लेकिन बाकी आपको ये सवाल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जितने सवाल हैं वो इस टाइप के हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, दो वैक्टर्स होते हैं, तीन वैक्टर्स होते हैं, इस तरह लिखे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पे दो वैक्टर गिवन है पहली जगह पे, देखो पी प्लस क्यू दो अलग अलग वैक्टर हैं ये, इसी तरह क्यू प्लस आर ये दो अलग वैक्टर हैं, इसी तरह आर प्लस पी ये दो अलग वैक्टर हैं।
तो कहने का मतलब इसको आप स्केलर टिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कैसे लिखोगे, मतलब पी प्लस जो पहला वेक्टर होता था या तो पहली रॉ में आप लिखा करते थे, तो अब पी प्लस क्यू को आप कैसे लिखोगे और आप ये प्रूफ कैसे करोगे। तो इसकी एक तो होता है मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आप इसको सॉल्व करते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एक मेथड होता है, इसकी ट्रिक होती है, जो मैंने गाइड पे भी देखी थी और मैंने ये सवाल सेकंड ईयर में था तब भी मैं ट्रिक से करवाता था, क्योंकि ट्रिक कोई ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं इसकी। लेकिन देखो इस सवाल में तो कहीं मेथड मेंशन नहीं हुआ हुआ, तो दोनों मेथड में से आप कोई भी कर लो आपके लिए ठीक है, मैं आप लोगों को दोनों बता दूंगा। मैं प्रेफर करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव वाले मेथड से करो, क्योंकि वो जो सेकंड ईयर की बुक में मेंशन भी था पूरा मेथड, तो मैं रिकमेंड करूंगा उससे करो। एमसीक्यूज में अगर सवाल आ जाता है चलो तो फिर एक और चीज मैं बता दूंगा, लेकिन रिकमेंड मैं ये करूंगा कि सॉल्यूशन ऐसा करो कि कोई मिस्टेक ना निकाल पाए उसके अंदर। तो इसको सॉल्व करने के दो बड़े तरीके होते हैं, जिसमें से एक जो तरीका वो मैं करवा रहा हूं, दूसरा वाला तरीका मैं नहीं करवा रहा, उसमें वो ए डॉट बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला लगा के करते हैं, वो मैं नहीं करवा रहा। तो जो दूसरा बड़ा तरीका वो करवाता हूं, फिर एक ट्रिक बता दूंगा कि डायरेक्ट इसको कैसे आप सॉल्व करते हो। खैर, तो असल तरीका क्या होता है, आपको प्रूफ करना है पूरी लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, तो उसको सॉल्व आप इस तरीके से करोगे। वही क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना, लेफ्ट हैंड साइड है पी प्लस क्यू, फिर है क्यू प्लस आर, फिर है आर प्लस पी। और ध्यान में रखना ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, ऐसे नहीं समझना कि ये एक ही वेक्टर है। मतलब जैसे ये होता ना, तो इसमें आप कह सकते थे कि आई प्लस जे किसी एक वेक्टर है जिसमें आई का कंपोनेंट 1 है, जे का कंपोनेंट 1 है, इसको एक वेक्टर आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव काम करते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि आप सबसे पहले पी प्लस, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि आप अगर डिटर्मिनेंट की किसी भी रॉ में आपको अगर दो टर्म नजर आ रही है ना, तो आप उन दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर सकते हो। ये वही चीज तो है, ये जो पूरी चीज है ये डिटर्मिनेंट की पहली रॉ को एक्सपेंड रिप्रेजेंट कर रही है ना। जैसे इस फॉर्मूले में अगर आप देखो, ये जो ए बी था इसको आप पहली रॉ में पुट करते थे, दूसरे वेक्टर को दूसरी रॉ में, यही चीज चलती थी ना। तो ये बेसिकली पी प्लस क्यू पहली रॉ है, तो आप इन दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर सकते हो। कैसे, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन मेन आइडिया मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहते हो आप, कि आप सबसे पहले पी लिखोगे, ठीक है, और बाकी दो का एज इज रखोगे। एग्जैक्ट डिटर्मिनेंट में आप यही काम करते थे, अगर आपको याद हो, ये प्रॉपर्टी भी डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने बताई है, मजीद वहां पे देख लेना, सीख जाओगे। और कि अगर पहली रॉ में फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट इस तरह लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई, y प्लस जेड, फॉर एग्जाम्पल जेड प्लस इस तरह लिखा हुआ है, और बाकी नीचे नॉर्मल दो रॉज आपके पास लिखी हुई है उनको फिलहाल स्किप कर दो, तो आप इस डिटर्मिनेंट को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। कैसे, एक में लिखोगे x, y, z प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या लिखोगे, पहली रॉ में y, z, x, तो आप दो अलग में तोड़ रहे हो, तो सेम काम यहाँ पे करना। उसके बाद क्या करोगे, अब इसको मजीद आप तोड़ो, q प्लस r को तोड़ो। कैसे, p अपनी जगह पे रहेगा, q प्लस r में आप q लिखो, ये वाली चीज अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा जी, पहले q लिखा था, अब आप r लिखो, ये तोड़ दिया आपने, सेम यहाँ पे भी ये काम करोगे, ये क्यू हो जाएगा, क्यू और आर को तोड़ो, यहाँ पे क्यू, आर प्लस भी अपनी जगह पे, इसी तरीके से प्लस, ये हो जाएगा क्यू, फिर आप आर लिखोगे, फिर आर प्लस भी। अब आपने मजीद तोड़ना है, ये पी क्यू और आप आर मेंशन करो, उसके बाद पी क्यू और आप यहाँ पे पी मेंशन करो, सेम दो इसके आएंगे, दो इसके आएंगे और दो इसके आएंगे, ये आप कर लेना, लंबा प्रोसीजर बन जाएगा। असल एंड पे सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, याद रखना जब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो गए हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर, नॉर्मली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर का निकाला जाता है, लेकिन उन तीन में से अगर दो सेम है तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि दो वेक्टर हैं, मतलब असल में तीन थे लेकिन अगर दो सेम हैं, तो कहने का मतलब तीन में से अब आप दो वेक्टर बोलोगे ना, एक तो रिपीट हो रहा है वो, तो दो वेक्टर का जब भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे जीरो ही आएगा ना वो, क्योंकि वो कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा वहां पे। तो याद रखना जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर आपने सेम कर दिए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। या अगर आपको शौक हो तो वैसे भी आप कर सकते, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है ना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, वही a1 b1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा था पीछे के मेंशन लिखा हुआ है ना, देख लेना उसको। तो अगर उसमें कोई भी दो रॉ आपने सेम कर दी तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसमें देखो पहली वाली रॉ और तीसरी वाली रॉ दोनों सेम है, ये भी पी है ये भी पी है, इसका मतलब इस पूरी चीज का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना भी नहीं है, बस आपने एरो बना के जीरो लिख दिया, मेंशन कर दिया कि ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। चाहो तो स्टेप के आगे लिख देना, सिंस लिख देना कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सेम जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, तो एक होगा पी आर आर, वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि आर दो दफा आ रहा है, और दूसरा होगा पी आर पी, वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि पी दो दफा आ रहा है। फिर इसको ब्रेक करो, ये तो दिखने में आपको लग रहा है जीरो ही होगा, क्यू क्यू आर क्यू क्यू पी,
ये भी जीरो, तो पूरी जीरो के बराबर है। इसको सॉल्व करें होगा क्यू आर आर जीरो हो जाएगा, फिर क्या होगा ये आप करते रहना, सब जीरो हो जाएंगे, फिर क्या होगा क्यू आर पी, इसको ज़रा जहन में रखो। तो आपके पास सब जीरो हो जाएंगे, एक ये बचेगा और आपके पास एक ये बचेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पी क्यू आर तो अपनी जगह पे है, आप क्या करो यहाँ पे, मैं एक काम करूँगा, अब ये काम मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, अगर आपको याद हो डिटरमिनेंट में जब आप दो रॉस को इंटरचेंज करते थे तो माइनस साइन आता था। तो अगर आप सबसे पहले आप क्या करो, इस आर और पी को इंटरचेंज करो, तो दरमियान में माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा पी आर। अगर ऑब्जर्व करो, मैंने आर और पी को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो बाहर माइनस आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप पी और क्यू को आपस में इंटरचेंज करो, दोबारा माइनस आएगा बाहर जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर जो कि बराबर हो जाएगा टू पी क्यू आर के, सवाल आपका प्रूव हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है जो मैं रिकमेंड करूंगा इसी तरीके से करना अगर सवाल पेपर में आएगा, ये मेरे नज़दीक ऐसा मेथड है जो गलती नहीं निकाल सकता। बाकी मेथड जो है वो थोड़ा शॉर्ट है लेकिन वो भी अलाउड है। अच्छा, वो एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर मुझे मौका मिला और मुझे याद रहा तो वो एक प्रॉपर्टी एक जगह प्रूव हुई भी है, मैं वो तस्वीर लगा दूंगा तो वो आपको उसको नज़र आ जाएगी। उस प्रॉपर्टी के तहत इस वाले सवालों को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, वो क्या है कि आप इस प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या करो, एक डिटरमिनेंट बनाओ पी क्यू आर। आप एज्यूम करो जो पहली चीज़ लिखी हुई है ना, इसमें तीनों मौजूद होने चाहिए, मतलब इसमें पी क्यू आर मौजूद होने चाहिए और आपने उनके कोफिशेंट पुट करने हैं। पी का कोफिशेंट क्या है, वन, क्यू का कोफिशेंट वन। इसमें आपको आर नज़र आ रहा है, नहीं, तो आर की जगह जीरो पुट कर दो। इसी तरह दूसरे में, ये दूसरी रॉ है, क्यू और आर, इसमें पी नज़र नहीं आ रहा तो पी की जगह जीरो, क्यू का कोफिशेंट वन है, आर का कोफिशेंट भी वन है। इसी तरीके से तीसरी रॉ में पी मौजूद है तो P का कोफिशेंट 1 है। अगर यहाँ पे 2R होता बिलफर्स तो सेम काम कर सकते थे आप, R की जगह पे आप 2 लिख देते, कोफिशेंट आपने लिखना है तो Q नज़र नहीं आ रहा, Q की जगह 0 और R का कोफिशेंट 1 है। ये लिखने के बाद इसके बाद आपने क्या लिखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पी क्यू आर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती थी कि जो तीन वैक्टर जो आपको मिक्स फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ना, असल में पी क्यू आर ये तीन वैक्टर हैं, तो ये आपने अलग से लिख दिया पी क्यू आर, स्केलर टेबल प्रोडक्ट बना के जो ब्रैकेटेबल नोटेशन है। और यहाँ पे आपने डिटरमिनेंट पूरा कैलकुलेट करना है, वो मैंने बता दिया डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे। तो जब आप इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करोगे इसका आंसर 2 आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम पी क्यू आर। तो ये समझ लो 2-3 स्टेप का काम होगा, डिटरमिनेंट बड़ा ईजी बनेगा, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि पेपर में करो, ऑल्दो ये मैंने सेकंड ईयर में बहुत अरसे पहले मेथड करवाया था, मेथड ठीक है और कुछ टीचर्स भी ये करवाते हैं, मेरे सीनियर टीचर थे उन्हीं से मैंने कॉपी किया हुआ था मेथड, ये बाद में मुझे इसका प्रूफ मिला था पूरा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, ये पुरानी बुक में मौजूद होता था सेकंड ईयर में, खैर जो अभी सेकंड ईयर की बुक है उसमें मेंशन है, तो बेहतर ये वाला तरीका कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको तीन वेक्टर्स दिए हैं और बोला है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये बराबर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। प्रूफ कैसे करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करोगे, इसको ए का नाम, ये अच्छा नाम तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है, सबसे पहले बी और सी को ऐड करना, जो रिजल्ट में वेक्टर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना ए से। लेफ्ट हैंड साइड पिक करने से पहले सिंपल बी प्लस सी निकाल लेना ना, सिंपल ये कॉन्सेप्ट कर लेना। इसी तरह हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से पहले बी प्लस सी निकाल लेना, फिर लेफ्ट हैंड साइड पिक करना, जो बी प्लस सी आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना ए से, आपको पता है कैसे लेना। फिर जो भी आंसर आए उसको वन या हाँ वन का नाम दे देना। फिर आप राइट हैंड साइड पिक करना, या राइट हैंड साइड पिक करने से पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लेना, ए क्रॉस सी निकाल लेना, फिर राइट हैंड साइड पिक करना, इन दोनों को पुट करना, आपस में ऐड करना और जो रिजल्ट आया उसको टू बोल देना। आप देखोगे वन और टू जो है वो आपस में बराबर होंगे। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ आप लोग। रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज थे वो तो हमने पहले कर लिए थे, क्वेश्चंस पे जरा आ जाओ। बहुत इजी इसमें क्वेश्चंस है, इतने मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फिफ्थ टर्म, एट टर्म, दो टर्म गिवन है और आपको एक और तीसरी टर्म निकालने का बोला हुआ है। तो ये काम हमने बच्चों बहुत दफ़ा किए हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में। एक्सरसाइज आपने सबसे पहले करनी है, अगर डायरेक्ट आप रिव्यू क्वेश्चन समझने आए तो भाई फिर समझ नहीं आएंगे। एक्सरसाइज आपने कर ली तो वो बच्चों वाला सवाल था, दो इक्वेशन बना देते, ए और डी निकालते थे और ये आंसर आ जाया करता था। 3 में लिखा हुआ है, देयर आर एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 32 सच दैट द रेशियो ऑफ थर्ड एंड सेवन्थ मीन इज 3:5। देखो एन अरिथमेटिक मीन में आप सवाल किस तरह सॉल्व करते हो, आपको बोला हुआ है कि एन अरिथमेटिक मीन है किन दो नंबर्स के दरमियान, बिटवीन 8 एंड 32। तो जो पहला नंबर है उसको आप ए लेते हो, ये फेयर कर लेना आप लोग, मैं फेयर को ऐसे नहीं लिख रहा, मैं जल्दी में कंप्लीट करवा रहा हूँ। ए यहाँ पे 8 है और जो दूसरा नंबर है वो 32 है। आपको बताया था मैं अरिथमेटिक मीन के अंदर आप कॉमन डिफरेंस निकालते थे, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 8 एन प्लस 1। 32 माइनस 8 जो है वो क्या हो जाएगा, 24 अपॉन n+1। n आपको पता नहीं है, टोटल n ही अरिथमेटिक मीन है तो n ही आप रहने दो, ये आपके पास d आ गया।
अब दो अरिथमेटिक मीन की बात की गई है, किस दो की, थर्ड और सेवेंथ। जो थर्ड अरिथमेटिक मीन होगी ना उसका फॉर्मूला होगा a प्लस 3d। थर्ड अरिथमेटिक मीन में 3d आएगा, फोर्थ अरिथमेटिक मीन में 4d आएगा, इसी तरह सेवन अरिथमेटिक मीन में यहाँ पे 7d आएगा। a यहाँ पे क्या है, a है यहाँ पे 8 और d यहाँ पे क्या है 24/(n+1)। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। सॉल्व करोगे n प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8n+8, 3 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो 72, और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होगा, वो चलो बाद में लिख लेते हैं, तो यहीं लिख देते हैं n+1। ये हो जाएगा 8+7 = 80 होता है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 8n+80 डिवाइडेड बाय n+1। अब इसकी कैलकुलेशन करो, 8+7d, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 8n, 7 को 24 से करो 70, 140, 168, 168 के अंदर 8 ऐड करोगे 176, तो 176 डिवाइडेड बाय n+1। ये आपने दोनों अरिथमेटिक मीन निकाल ली। कंडीशन लिख देना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन थर्ड और सेवेंथ का जो रेशो है वो क्या है, 3/5, ये कंडीशन है। तो थर्ड की वैल्यू पुट करो 8n+80/(n+1), सेवन्थ की कंडीशन पुट करो 8n+176/(n+1)। इसको बराबर रखो 3/5 के, ये n+1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 को मल्टीप्लाई करवा दो इन दोनों टर्म से, तो ये हो जाएगा 40n+400। 8n+176 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 24n+176 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 528 होगा, आई गेस 170 को कर लेते हैं ना, तो 170 को 3 दफ़ा करो तो ये होता है 510 होता है, तो 510 के अंदर 18 ऐड करो, हाँ 528 है, तो 528। अब आप इसको सॉल्व करो, 24n को उधर ले आओ, ये हो जाएगा 16n, 400 को उधर ले आओ, ये हो जाएगा 128, डिवाइड करो 128 को 16 से करोगे तो 68 आ जाएगा। तो ये आपको n निकालना था, ये n आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है, आपको सम ऑफ ऑल इंटीजर निकालना है, 280 से लेके 350 जो 9 से डिविजिबल है। भाई 280 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आ रहा होता, फिर कौन सा आता है, आई गेस 287 आता है या 288 आता होगा शायद। कैंसिल करो 9 से तो ये 3 टाइम जाएगा, 8 में, हाँ 288 आता है या 279 जाता होगा, तो 279 तो इसके अंदर नहीं आता ना, तो सबसे पहला नंबर है 288 जो इसके टेबल में आता है, फिर 288 के बाद क्या होगा 297, फिर उसके बाद क्या होगा 306, अप टू कहाँ तक जाना है 350, तो 9 के टेबल में नहीं आता ना, क्या हो जाएगा 3 टाइम होगा तो ये बचेगा 80 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो अगर आप पीछे लाओ तो 72 आता है, तो मे बी 342 जाता हो, देख लेते हैं। जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम जाएगा और 72 बचेगा, 72 जो है वो जाता है 8 टाइम, हाँ 342 आ रहा होगा, कैलकुलेशन करके देख लेना कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। ये वो नंबर्स हैं जो इस रेंज के अंदर हैं जो 9 के टेबल में आते हैं, बस आपने इनको ऐड करना है, अरिथमेटिक सीरीज है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 5 बड़ा आसान है कर लोगे, 6 भी, ये सवाल मैंने आप लोगों को बहुत करवाया, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सवाल है कि भाई ईयरली रेट ऑफ, सिंपल सी बात है कि इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, एक आपके पास मशीन है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही 50,000, हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, ये बिल्कुल समझ लो पहले साल के स्टार्ट में उसकी ये वैल्यू है, अब जब पहला साल पूरा कंप्लीट होगा तो दूसरे साल के स्टार्ट में उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कितना कम होगी, 20% कम होगी, तो जब वो चीज़ कम होती है ना तो कॉमन रेशो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 1 से छोटा होगा, हाँ कॉमन रेशो आप यहाँ पे 1 से छोटा होगा क्योंकि वैल्यू से सारी पॉजिटिव है ना, तो कॉमन रेशो 1 से छोटा होगा, क्या होगा निकालने का बड़ा आसान तरीका है यहाँ पे, जब मैंने बताया था प्रॉफिट है तो परसेंटेज को आप ऐड करते हो, अगर लॉस हो तो उसको आप माइनस करते हो, तो ये डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन का मतलब कम ही हो रहा है, तो 1-20% है, 20% को आप डेसिमल में लिखोगे 20/100 जो कि 0.2 होगा, तो R यहाँ पे सिंपल 0.8 है, अगर आप फ्रैक्शन में कंफर्टेबल हो तो फ्रैक्शन में आप इसको लिखोगे 4/5 बहरहाल, तो ये आपके पास R है, अगर प्रॉफिट होता तो आप ऐड करते हैं। और एक और चीज़ आपको N पता होना चाहिए यहाँ पे, N क्या है, इन्होंने बोला है आफ्टर 5 ईयर उसकी कीमत बताओ, अब ज़रा इस चीज़ को समझो, ये जो 50,000 है जो आपकी GP की पहली टर्म है 50,000, ये है पहले साल के स्टार्ट में, या आप ये कह लो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के स्टार्ट में, ठीक है ये 50,000, जो सेकंड साल के स्टार्ट पे होगी वो आपके पास एक टर्म आ जाएगी,
फिर थर्ड साल के स्टार्ट में, फोर्थ साल के स्टार्ट में, फाइव साल के स्टार्ट में, देखो ये जो कीमत है ना ये होगी फिफ्थ साल के स्टार्ट में। तो अगर आप यहाँ पे एन फाइव लेते हो ना तो 1, 2, 3, 4, 5 तो ये पांचवी टर्म आपको ये वाली मिलेगी जो कि बेसिकली पांचवें साल के स्टार्ट में उसकी कीमत होगी, जबकि आपको बोला हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल के बाद। तो ये जो अमाउंट होगी ये होगी 5 साल के स्टार्ट में, इसका मतलब आपको बेसिकली छठी टर्म यहाँ पे निकालनी है। छठी टर्म क्या होगी? 6 साल के स्टार्ट में। तो देखो छठे साल के स्टार्ट का मतलब 5वें साल का एंड। तो ये असल में आपको कीमत बतानी थी कि 5 साल के बाद, मतलब जब 5 साल खत्म हो जाए उसके बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पे इसको पहली टर्म लेते हो ना तो फिर आपको एन सिक्स लेना पड़ेगा, लिख देना कि वी कंसीडर 50,000 एट फर्स्ट टर्म। लेकिन अगर आप कहते हो ये फर्स्ट टर्म नहीं है, आप इसको 50,000 लेते, आप जो दूसरी टर्म है ना इसको आप ए लेते हो अगर, और ए लेने का तरीका क्या है, ये 50,000 है इसको मल्टीप्लाई कर देना 4/5 से, जो अमाउंट होगी वो पहले साल के एंड पे होगी या दूसरे साल के स्टार्ट में होगी। अगर आप इसको ए ले रहे हो तो फिर तो आपके पास टोटल एन टर्म्स ही होंगी, लेकिन अगर आप इसको ए ले रहे हो तो टोटल 6 टर्म होंगी। ये कौन सा मैंने थ्योरी में भी बहुत दिया आपको। 7 में आओ तो लिखा हुआ कंडीशन क्या है, एस 10 इज इक्वल टू 244 एस 5, और जीपी की बात की गई है। जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब डेफिनेटली आर इसमें ग्रेटर है, वैसे फॉर्मूले में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन आर इसमें ग्रेटर ही होगा इस कंडीशन के मुताबिक, मेक सेंस कर रहा है। एस 10 अगर बड़ा है तो आर 1 से बड़ा ही होगा यहाँ पे। खैर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, इसमें एस 10 ये एस एन का फॉर्मूला है ना, एस 10 का मतलब एन की जगह आपने 10 पुट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं पता है यहाँ पे। तो आर की जगह आर की पावर 10 नीचे तो आर माइनस 1 इक्वल टू 244 एस 5 क्या हो जाएगा, आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देखो ए से ए कैंसिल, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा आर की पावर 10 माइनस 1 244 टाइम आर की पावर 5 माइनस 1, ये सिचुएशन बची है। अब आपने इसको सॉल्व करके यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है। कोई आसान तरीका यहाँ पे है, अगर मैं इसको आर स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करूँ इस तरह शायद कुछ बात बन जाए, कैलकुलेशन और आसान हो जाए, ज़रा देखते हैं। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर आप कर सकते हो ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। हाँ तो आसानी ये यहाँ पे होगी कि आर की पावर 5 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो पीछे बचेगा आर की पावर 5, इस 1 को उधर ले जाना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 243। आर की वैल्यू कैसे आएगी, आपको 243 का फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा जो कि 3 के बराबर होता है, 3 की पावर 5 243 है, तो आर यहाँ पे 3 आ जाएगा। सेकंड टर्म फिफ्थ टर्म, यार ये बिल्कुल एपी का सवाल बन जाएगा, आप ये एचपी का सवाल है एपी के अंदर कन्वर्ट कर लेना। सेकंड टर्म 2 के बराबर है, फिफ्थ टर्म माइनस 4 के बराबर है, आप एपी की 12वीं टर्म निकालो, तो एपी की तरह सॉल्व करना, जो एपी की 12वीं टर्म होगी उसको रेसिप्रोकल करना तो एचपी की 12 आ जाएगी। चैप्टर 5 की अगर आप बात करो तो बच्चों 2 ही क्वेश्चन है इसके, और ये वही क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है आपने सम करना है, इनकी जनरल टर्म निकालना बड़ा आसान है, जैसे 2 मतलब ये पहली टर्म है ना इसकी, ये पूरी पहली टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है प्लस ये तीसरी टर्म है, ठीक है। तो पहली टर्म में क्या है, 2 × 1 का स्क्वायर, 4 × 2 का स्क्वायर, 6 × 3 का स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म है बड़ी इजी है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना इसको, आप इसकी जनरल टर्म बेसिकली अगर आपको मिल जाए ना तो फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा, जनरल टर्म निकालना बड़ा आसान होगा। 2 × 1 का स्क्वायर, 4 × 2 का स्क्वायर और 6 × 3 का स्क्वायर, जनरल टर्म कैसे मिलेगी, देखो सबसे पहले 2, 4, 6, तो अगर आप देखो एक ए पी है, आप लिखना 2, 4, 6, एक ए पी चल रही है ना, इसकी जनरल टर्म कैसे निकालते हो, फर्स्ट टर्म 2 है एन माइनस 1 डी, डी क्या है यहाँ पे 2 है, तो जनरल टर्म निकाल लेना, तो क्या हो जाएगी 2n − 2, सिंपल 2n हो जाएगी। और फिर दूसरी है 1, 2, 3, 1, 2, 3 का मतलब सिंपल, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, n का स्क्वायर। तो अगर आप इसकी जनरल टर्म लिखो तो इसकी जनरल टर्म इस पूरी सीक्वेंस की, फॉर एग्जाम्पल इसकी सीक्वेंस को जनरल टर्म को मैं ए एन कह रहा हूँ, इसको ए एन प्राइम कह देना, जो दूसरी यहाँ पे बनाओगे ना, दूसरी बनाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि 1, 2, 3 इसका तो पता है जनरल टर्म एन ही होगी। तो खैर इस वाले की जनरल टर्म क्या आ जाएगी, 2, 4, 6 है, तो आप लिख सकते हो 2n × 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, इसके लिख सकते हो n का स्क्वायर, ये है। तो बेसिकली ये 2 अलग अलग सीक्वेंस जो मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में, ठीक है। अब ये इसकी जनरल टर्म है, ये एंड पे लिखोगे प्लस करके डॉट 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 प्लस, फिर ये जनरल टर्म इसकी होगी, तो जनरल टर्म को मजे सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा 2n³।
अच्छा, इस जनरल टर्म में अगर आप एन की वैल्यूज पुट करोगे ना, तो आपके पास टर्म्स आ रही होंगी। अगर एन की वैल्यू 1 पुट करोगे पहली टर्म, 2 पुट करोगे दूसरी टर्म, हमें बेसिकली सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आप क्या करते हो, समीशन ले लेते हो। तो जनरल टर्म का आप समीशन ले लो और एन वन से लेके अप टू, अच्छा वेरिएबल चेंज कर लो या तो खाली इस तरह लिख देना। ये थ्योरी में मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल में दिया हुआ है क्या नोटेशन होगी। तो ये चीज आपको निकालनी बड़ी इजी है। टू को तो खैर बाहर निकाल लो। एन क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है बड़ा इजी होता है। एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आपके पास इसका जो सम का फॉर्मूला आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। तो अगर आप देखो इसकी जनरल टर्म निकालना बड़ा आसान है, निकाल लेना। इसमें भी पहली सीक्वेंस कौन सी है, 1 4 7। तो ये सिंपल एक अरिथमेटिक है, 1 4 7 जनरल टर्म निकाल लेना। फिर दूसरी है 4 7 10, सॉल्व करना, एक जनरल टर्म आ जाएगी। तो इसके आपके पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन पहली वाली जनरल टर्म, दूसरी वाली जनरल टर्म। ये आपके पास असल में सीरीज की जनरल टर्म आएगी और आपके पास कुछ ये वाली सिचुएशन बनेगी। मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं, इस किस्म का कुछ आंसर आ रहा होगा। दोनों की ना अलग अलग आपने जनरल टर्म निकाली भी होगी, सही है। जो मैंने बताया ना, इस किस्म का आपके पास कुछ जनरल टर्म आ रही होगी। ये करने के बाद आपको सम मालूम करना है, लेकिन सम आपको इन्फिनिटी तक मालूम करना है, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपने जाना है। तो इसको पहले छोड़ दो। इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, हम सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से सॉल्व करते थे, बड़ा आसान था हमारे लिए। पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से तोड़ देना इसको, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर, दो फ्रैक्शंस के अंदर आप तोड़ दोगे। तोड़ने के बाद आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वाला नहीं लगाना, क्योंकि यहां तो 1 से लेके n था। तोड़ने के बाद आप सिंपल क्या करोगे, जब दो हिस्से में टूट जाएगी ना, फिर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इन्फिनिटी वाले में क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि आप वैल्यूज पुट कर दोगे, दो अलग अलग होंगे ना, तो आप एन की वैल्यूज पुट कर देना। आपको तो ऑब्जर्व करोगे, असल में दो टर्म बन रही होगी ना वहां पे, तो एक टर्म में एन की वैल्यूज पुट करते जाना, एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर देना, फिर दूसरी में आप पुट कर देना, दरमियान में इनके कोई नेगेटिव शायद आ रहा होगा। तो यहाँ पे ए वाली टर्म इससे, मेरे ख्याल में इसकी जो दूसरी टर्म से लेके, मतलब इसकी जो दूसरी टर्म है और जो इसकी पहली टर्म है, वो सब सेम होने लग जाएंगी, मतलब सेम होंगे एग्जैक्ट, तो वो आपस में सब कैंसिल हो जाएंगी, पहली टर्म इसकी बच जाएगी। ये थ्योरी में डिटेल में हमने बातें पढ़ी थी, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो देखना इस तरह सब कैंसिल हो जाएंगी, मेरे ख्याल में एक आंसर आपके पास आ जाएगा। अगर फिर भी मसला हो तो गाइड से हेल्प लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ बच्चों। चैप्टर नंबर 6 में एमसीक्यूज तो हमने कर लिए थे, अब इन जरा क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चंस में ये बहुत इजी है बच्चों, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है इनके, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, लिखा हुआ है देयर आर 7 सीट अवेलेबल इन अ कंपार्टमेंट, इन हाउ मेनी वेज कैन 7% बी सीटेड। भाई ये समझ लो कि एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर 7 सीटें हैं और यहाँ पे 7 लोग आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि 7 लोगों को आपने किस तरीके से बैठाना है। देखो जब सीटिंग अरेंजमेंट होती है ना, तो इसके अंदर परमोटेशन ही आप यूज कर रहे होते हो, अनलेस अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि यार नहीं, यहाँ पे आपके बंदों के बैठने के ऑर्डर मैटर नहीं करते। वरना हम एज्यूम बाय बिल्ट इन यही करेंगे कि जब सीटों का सवाल कोई भी आता है ना, तो उसमें एज्यूम यही किया जाता है कि वहां पे अरेंजमेंट मैटर कर रही होती है। कि फॉर एग्जांपल पहला बंदा आया, अगर वो पहली सीट पे बैठे वो बात अलग है, अगर वो तीसरी पे बैठे वो अलग है, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है इसका। तो अगर इन सवालों में सबसे पहले आप बाय बिल्टन यही लेते हो, अनलेस अगर आपको बता दिया जाए कि ऐसा नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो फिर कॉम्बिनेशन यूज करोगे आप। तो सिंपल सवाल है कि भाई 7 सीटें हैं, 7 में से 7 ही आपने सेलेक्ट करनी है क्योंकि 7 लोग हैं। अगर तो होता ना कि 7 सीटें हैं और टोटल 4 लोग हैं आपके पास, तो आप लिखते 7P4, 3 लोग हैं 7P3। तो परमोटेशन के जरिए से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी लगा सकते हो, सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहा हूँ, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रोडक्ट रूल जो है, वो भी लगा सकते हो कि भाई पहली सीट पे कोई भी 7 बंदे बैठ सकते हैं। अब अगर पहली सीट पे एक बंदा बैठ गया, तो दूसरी सीट पे कोई भी 6, कोई भी 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो सॉल्व करो, ये भी 7 फैक्टोरियल है, ये भी 7 फैक्टोरियल आएगा, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 में लिखा हुआ है अ रूम हैज 3 लैंप। भाई एक रूम है जिसके अंदर नंबर ऑफ लैंप जो है, लिख देना नंबर ऑफ लैंप जो है वो कितने हैं, 3 हैं। फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 10 लाइट बल्ब, सॉरी फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 10 लाइट बल्ब्स ऑफ विच 6 आर नो गुड। नो गुड का मतलब चलते नहीं होंगे। तो बाकी अ पर्सन सेलेक्ट 3 एट रेंडम। अच्छा जो लैंप है ना वो 3 है। अब लैंप के अंदर जो आप बल्ब लगाओगे, भाई 3 लैंप है तो उनके लिए आपको 3 बल्ब चाहिए होंगे, तो उस बंदे ने ना 3 बल्ब सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो और गिवन बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल बल्ब्स हैं 10, जिसमें से जो डिफेक्टिव वाले हैं, नो गुड का मतलब ही डिफेक्टिव है, 6 तो डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब इसको लिख देना गुड बल्ब बैड बल्ब लिख देना इस तरह। तो जो नॉन डिफेक्टिव हैं
मैं डिफेक्टिव वाली वर्डिंग ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, नॉन डिफेक्टिव जो है मैं चार है, मतलब छः खराब हैं चार ठीक हैं। मतलब आप इस तरह समझो आपके पास एक लैंप है, तीन लैंप आपके पास पड़े हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीन लैंप है, आपने तीन बल्ब सेलेक्ट करने हैं, टोटल 10 बल्ब आपके पास पड़े हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई 6 खराब बल्ब हैं, 4 जो हैं वो ठीक हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है। अब पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव लाइट, कि क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी लाइट होगी। अब देखो लाइट होने के लिए एक बल्ब भी अगर जल जाए तो लाइट हो जाएगी, अगर एक बल्ब जल रहा है तब भी लाइट हो सकती है, अगर दो बल्ब जल रहे हैं तब भी लाइट हो सकती है, अगर तीन बल्ब जल रहे हैं तब भी लाइट हो सकती है। तो तीनों सिचुएशन में आपके पास लाइट, हाँ एक ही ऐसी सिचुएशन जिसमें लाइट नहीं होगी कि तीनों आपने डिफेक्टिव सेलेक्ट कर ली है, तो तीनों डिफेक्टिव सेलेक्ट करोगे तो आपके पास लाइट ही नहीं होगी कमरे के अंदर। तो कमरे के अंदर लाइट होने के लिए एक बल्ब भी अगर ठीक है तो बात सही मानी जाएगी। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल आसान तरीका होगा कि टोटल 10 बल्ब हैं, 10 में से अगर आपको तीन सेलेक्ट करना है तो उसके कितने तरीके हैं, 10c3। न्यूमरेटर में आप लिखते हो जो आपके फेवरेबल केसेस हैं, फेवरेबल केसेस क्या है कि एक बल्ब ठीक होना चाहिए मिनिमम, मतलब तीन सिचुएशन बनेंगे, उन्होंने बोला ना कि लाइट हो, तो तीनों सिचुएशन को आपने कंसीडर करना है। पहली सिचुएशन क्या है कि एक आपके पास सही वाला बल्ब हो, अब टोटल चार सही बल्ब हैं उसमें से एक को चूज करने हैं कितने तरीके हैं, 4c1। अब टोटल तो आपने तीन चूज करने हैं, एक आपने सही चूज किया तो बाकी दो कौन से होंगे, डिफेक्टिव वाले, टोटल छह डिफेक्टिव हैं, छह में से दो सेलेक्ट करने के 6c2, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई आपके पास दो अच्छे वाले आ जाएं, तो चार में से दो के तरीके हैं 4c2 और एक जो है वो डिफेक्टिव हो, छः में से एक डिफेक्टिव है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों आपके पास ठीक हो और जो डिफेक्टिव है, अगर ये लिखना चाह रहे हो लिख लो, 6c01 के बराबर ही होता है, लिखो ना लिखो बात एक ही है कि तीन जो है वो आपने सही वाले सेलेक्ट कर रही हैं तो आपके पास तब भी लाइट होगी। तो ये आपके फेवरेबल केसेस हैं सारे। तो फेवरेबल केसेस को आपने डिवाइड करना होता है टोटल केसेस है, टोटल केसेस क्या होंगे, टोटल 10 बल्ब में 10 में से तीन उठाने के कितने तरीके होते हैं, ये सिंपल कंडीशन है। उसके बाद आप देखते हो फेवरेबल केसेस क्या हैं कि उन तीन में से लाइट होनी चाहिए, तो ये तीन केसेस बनेंगे, इन सबको आपस में ऐड कर रहा हूं क्योंकि बैक वक्त तीनों चूज नहीं कर सकते, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो दैट्स वाई आप ऐड कर रहे हो, तो इसको सॉल्व करना आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको लिखा हुआ है इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आपने दो डाई को फेंका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 7 और अ सम ऑफ 11, और का मतलब आपने ऐड करना है। अब इसको अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी आपको निकाली ना, तो पहले आप 7 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो फिर ऐड कर दो उसके अंदर 11 की प्रोबेबिलिटी, या आप इस तरह करो 7 मतलब आप एक साथ कर लो कि 7 को जो केस फेवर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल, ये पहली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 11 को जो केस फेवर कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल, तो अलग अलग आप प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो। या सिंपल तरीका क्या है कि जो 7 को केस फेवर कर रहे हैं जो 11 को केस फेवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7 को अगर 5 कर रहे हैं 11 को 7 कर रहे हैं केसेस फेवरेबल, तो 5 + 7 = 12, तो 12 को आप डिवाइड कर दोगे टोटल केसेस से, मतलब टोटल सैंपल स्पेस जो होता है, तो इस तरह कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है। आप इसके आप वही डाइस वाइज सवाल होते हैं उसमें आप क्या करते हो वही आउटकम लिखते हो, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था आउटकम कैसे लिखते हैं, टोटल 36 आउटकम्स यहाँ पे आ रहे होते हैं, वो वाले आउटकम जिसमें सम 7 आ रहा है या 11 आ रहा है, तो वो कौन कौन से होते हैं मैं थोड़ा आपको वैसे रैंडम बता देता हूँ। जैसे आपके पास 1 और 6 आ जाए सम 11 के बराबर है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 आ जाए सम 11 के बराबर है, तीसरी रॉ में अगर आप आओ तो 3 और 4, चौथी रॉ में अगर आप आओ क्योंकि तीसरी रॉ का एंड होगा 3 और 6, सम 11 अभी तक नहीं आएगा, चौथी रॉ में होगा 4 3, चौथी रॉ का आखिरी क्या होगा 4 6, उसका भी समय 11 नहीं है, पांचवी रॉ में एक तो होगा 5 2 और एक होगा 5 6, क्योंकि 5 और 6 में समय 11 आ रहा है, और छठी रॉ में होगा 6 1 और होगा 6 5, तो कितने केस फेवर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केस फेवर हैं, ठीक है, और टोटल कितने आउटकम्स होते हैं 36 होते हैं, तो सॉल्व करना 4/18 हो जाएगा, 2/9 प्रॉबिलिटी हो जाएगी। 6 में लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 8 white, 10 black, 12 red balls, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट। अच्छा देखो रिप्लेसमेंट आ गई है, अगर तो विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो मैं कम्बिनेशन यहाँ पे यूज कर रहा होता क्योंकि 10 में से 2 3 अगर ज्यादा चीजें पिक करनी होती हैं तो फिर कम्बिनेशन आप यूज करते हो, अगर एक एक चीज पिक करनी होती फिर तो मसला नहीं होता, वो तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, लेकिन इस सवाल में रिप्लेस का लिखा हुआ है, तो जब रिप्लेसमेंट आ जाती है ना तो फिर आप कम्बिनेशन यूज नहीं करते, आप अलग अलग वैसे जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हो वैसे निकालते हो। कि लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बॉल वाइट हो। सबसे पहली बात, एक बैग है जिसके अंदर टोटल बॉल्स कितनी है, 8 10 12 30 बॉल्स हैं टोटल, 30 बॉल्स हैं, तो इसको इस तरह समझो कि टोटल 30 बॉल हैं,
अब उसमें से मैं एक बॉल उठा रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बॉल वाइट हो? तो टोटल है 30 और वाइट कितनी है? 8 में से एक वाइट उठाने के 8 तरीके भाई, तरीका 30 बॉल है। कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन एक मतलब कम्बिनेशन, एक मैं जो शुरू में मैंने बोला ना कम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते, वो एक अलग कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों की बुक में इतना मेंशन है नहीं। मैं उस सेंस में बोला था कि कम्बिनेशन यूज करके डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, कि 30C3 करके वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे वैसे अगर आप कम्बिनेशन लगाना चाह रहे हो ना, इन द सेंस कि 30 बॉल है, 30 में से एक उठाने के कितने तरीके हैं, तो वहां लगा सकते हो, 30C1 लिख सकते हो, तो वो 30 आंसर ही आ जाएगा। तो लिखो ना लिखो बात एक ही है। इसी तरह 8 वाइट है, 8 में से एक उठाने कितने तरीके हैं, 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/30। अब जो आपने बॉल उठाई है वो आपने दोबारा डाल दी है, इसका मतलब रिप्लेसमेंट की है आपने। तो अब जब दूसरी बॉल उठाओगे ना, तो अभी भी आपके पास 30 बॉल ही होंगी। तो दूसरी बॉल क्या हो? दूसरी बॉल हो ब्लैक। अब अगेन बॉलें तो 30 ही होंगी क्योंकि आपने रिप्लेस कर दी, और ब्लैक कितनी है? टोटल 10 ब्लैक है। फिर अगेन आपने बॉल उठा के रिप्लेस कर दी, चौथी दफा, तीसरी दफा रेड क्या है? टोटल 30, और रेड कितनी है? 12। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो रिप्लेस जब कर दिया जाए ना, तो फिर डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। और आखिरी है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स? भाई जब आपने 15, जब टीम बनानी होती है ना, 15 प्लेयर में से आपने 11 सेलेक्ट करने हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे नेचुरली कम्बिनेशन ही आपने यूज करनी है। क्योंकि जब आप खिलाड़ी को सिलेक्ट करते हो ना, तो मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट किया, असल मैटर ये करता है कि 15 में से किन 11 खिलाड़ियों के नाम आए हैं। अब किस ऑर्डर में, जब आपने देखा होगा जब ये 11 इस तरह खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाते हैं ना, तो कोई रैंडम ऑर्डर लिखा हुआ होता है, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं लिखा होता कि वो, अनलेस अगर आपको बता दें कि यार जो 11 हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सब किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब पहले को अगर आपने सेलेक्ट किया तो इसका मतलब वो पहले नंबर पे ही खेलेगा, दूसरे नंबर पे जो आप सेलेक्ट करोगे इसका मतलब दूसरे नंबर पे ही खेलेगा, वहां पे तो चलो ऑर्डर मैटर कर रहे हैं। अब बॉलर पहले नंबर पे तो नहीं आ सकता ना, लेकिन वो उस वक्त है जब आपको बताया हो। वैसे नेचुरली अगर आप बात करो तो ये सिलेक्शन वाले सवाल में कम्बिनेशन आप यूज करोगे कि 15 खिलाड़ी हैं, 15 में से आपको 11 सेलेक्ट करने, तो 15C11 ये आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है हाउ मेनी ऑफ देम विन इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर? कंसीडर कर लो किसी प्लेयर की पर्ची है, वो आपने लाजमी शामिल करना है। तो देखो 15 प्लेयर हैं, 15 में से कंसीडर कर लो एक जो है वो रेफरेंस के ऊपर है, बाकी 14 जो हैं वो मेरिट के ऊपर खेल रहे हैं। तो जब एक प्लेयर को आपने इंक्लूड करना ही करना है, इसका मतलब अब आपके पास 14 प्लेयर रह गए हैं सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक तो आपका ऑलरेडी टीम के अंदर है, तो अब आपने 14 में से सेलेक्ट करने, और 14 में से कितने सेलेक्ट करने? 10 सेलेक्ट करने, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिया, एक तो आपने सेलेक्ट करके साइड पे रख दिया, अब पीछे बचे 14 में से रिमेनिंग 10 आपने सेलेक्ट करने, क्योंकि आपको 11 की टीम बनानी है। एक सेलेक्ट हो गया, बाकी 10 आपने सेलेक्ट करने आउट ऑफ 14। तो ये जो दूसरा है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14C10, और पहले वाले का हो जाएगा 15C11। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों, MCQs हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जो आपने देखा था डिविजिबल का, ये सिंपल 7.1 है, डिविजिबल बाय 6 है, नहीं, स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है 8 10 की पावर n माइनस 2। तो जब आप n की जगह 1 पुट करोगे, केस फेवर कर रहा होगा, 10 की पावर 1 10 8 80 80 माइनस 2 78, 78 तो 6 से डिविजिबल है, तो n इक्वल टू 1 पे तो फेवर कर रहा है। फिर आप k पे एज्यूम करते थे कि ट्रू है, मतलब ये पूरी चीज़ जो है ये डिविजिबल है 6 से, फिर आप k प्लस 1 पे प्रूफ करना था, तो k प्लस 1 पे हो जाएगा, आप k की जगह k प्लस 1 पुट कर दो। फिर मैंने बताया था आपने ये चीज़ लानी होती है, ये सवाल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये चीज़ आपने लानी है। अभी कैसे लाओगे आप? इस 10 को ब्रेक करो, ये हो जाएगा 10k मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आप क्या करो, आप पहली वाली टर्म में से 10 कॉमन ले लो, जब आप 10 कॉमन ले लोगे ना, तो 8 और 10k रह जाएगा, मतलब एग्जैक्ट ये चीज़ आ रही होगी। तो पहली टर्म से जब आप 10 कॉमन लोगे, पीछे बचेगा 8 मल्टीप्लाई 10k। लेकिन अगर आप 10 इस वाली टर्म से कॉमन ले रहे हो, तो इस वाली टर्म से भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इस वाले स्टेप से पहले ये वाला स्टेप कर लेना जो मैं करने लगा हूँ, क्या है कि इसमें से तो आप 10 कॉमन ले सकते हो, ये वाली चीज़ आ जाएगी। 2 में आप क्या करो, आप इसको इस तरह लिखो, 2 को आप इस तरह लिख दो, सही है। अब इस वाली 2 को तो मैंने इग्नोर कर दिया ना, मैंने अपनी तरफ से ये चीज़ लिख दी, जब मैंने अपनी तरफ से चीज़ लिखी है तो कंपनसेट करने के लिए मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, और ये जो रिमेनिंग माइनस 2 इसको अपनी जगह पे लिख दो। तो अपनी तरफ से मैंने सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, और जो रिमेनिंग माइनस 2 था वो अपनी जगह पे लिख दिया। अब आप शुरू की दो टर्म में से 10 कॉमन लेना, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 के, यहाँ से 10 कॉमन लोगे माइनस 2, और पीछे क्या बचेगा, 2 10 20 20 माइनस 2 18, ठीक। सवाल आपका प्रूफ, भाई ये चीज़ तो डिविजिबल बाई है 6 से, ये तो हमें पता है।
जब ये चीज 6 से डिविजिबल है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो अब भी 6 से डिविजिबल रहेगी, और प्लस जिस नंबर में आप इसको ऐड कर रहे हो वो भी नंबर 6 से डिविजिबल है, 18 जो है वो 6 के टेबल में आता है, तो ये वाली टर्म भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो ओवरऑल पूरी जो है वो 6 से डिविजिबल हो गई। सवाल आपका कंप्लीट। ये वाला सवाल बड़ा इजी है यार, इस किस्म के सवाल आपने बहुत किए, सॉल्व कर लेना इसको। 4 में लिखा है गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द एक्सपेंशन इज 96 फाइंड एम। आपको वाई स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में गिवन है 96 है, इस कंडीशन को रख के आपको एम निकालना है। अब जरा इस एक्सपेंशन को सॉल्व करोगे ना तो उसको ऊपर ले जाना, तो देखिए 1 + my = -2, इसके अंदर वही इन्फिनिट टर्म्स आ रही होंगी, बायनॉमियल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आपको यहाँ पे असल में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है और उसको 96 के बराबर रखना है। आप इस पे वही बायनॉमियल सीरीज का फॉर्मूला मेंशन कर देना। बायनॉमियल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, 1 + nx, n यहाँ पे क्या है -2 और ये पूरी चीज x होती थी, x यहाँ पे है my, फिर फॉर्मूला होता था n n-1, तो n n-1 हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर आता था, तो ये x है इसका आपने स्क्वायर करना है। तो ये वो टर्म है जो आपको चाहिए, इसके आगे भी चलता रहता है लेकिन ये टर्म आपको चाहिए क्योंकि आपको वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन था, तो ये टर्म है वाई स्क्वायर वाली, इसके बाद कोई वाई स्क्वायर वाली नहीं आएगी, इससे पहले कोई वाई स्क्वायर वाली नहीं होगी। अब इसको कैसे मालूम करोगे आप, सिंपल ये आपका रिक्वायर्ड है, तो आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करो, ये हो जाएगा 3 टाइम, जब आप स्क्वायर करोगे हो जाएगा m² y², तो y स्क्वायर के साथ क्या लिखा होगा, ये पूरी चीज 3 है और यहाँ पे m² होगा, तो बेसिकली y स्क्वायर के साथ यहाँ पे लिखा होगा 3m², जो कि सवाल में गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 96 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से जो कोफिशिएंट आया उसको आपने 96 के बराबर रखा, m² 3 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा अल्लाह भला करे 32, आप रूट ले लेना तो ये हो जाएगा 4√2, प्लस माइनस भी आ जाएगा, ये m की वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है गिवन दैट द टर्म्स इन्वॉल्विंग m4 एंड हायर पावर्स मे बी निगलेक्टेड, मतलब m4 और इससे हायर पावर m5 m6 उनको निगलेक्ट कर देना है, ये जो पूरी कंडीशन है गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD। अच्छा जरा इसको सॉल्व करने के लिए चलो एक बेसिक सा काम करते हैं, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, इधर ऊपर नीचे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहले तो बड़ा आसान तरीका हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि पेजेस बड़े कीमती हैं भाई, बोर्ड तो मिटा सकते हो, पेज का क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक एक्सपेंशन क्या है इसको ऊपर ले जाते हैं, ये है a + bm³ - 3, दरमियान में माइनस है 1 + 3m³ - 4, इक्वल को फिलहाल छोड़ दो। यहाँ पे आपने वही एक्स इन बायनॉमियल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है तो उसको वन करना है, वन करने का भी तरीका था, आप वो a कॉमन लेते थे, उस a को बाहर लिखोगे तो a³ - 3 होगी, फिर डिनोमिनेटर में ले जाना 1/a³ हो जाएगा, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा bm/a, ठीक है ये सिचुएशन बन रही होगी। अब आपने क्या करना है, इसकी m³ 3 तक लिखना है क्योंकि m³ 4 और उससे हायर आपने निगलेक्ट करनी है। अब m³ 3 तक लिखते हैं, पहली वाली को एक्सपेंड करो, वही 1 + nx, ये हो जाएगा 1 nx, ये पूरा n है ये पूरा x है, तो -3 को इसे मल्टीप्लाई करो, -3bm/a, फिर टर्म होती थी n n-1, तो -3 में से 1 कम करो -4, तो ये हो जाएगा -3 - 4 डिवाइडेड बाय 2 और x का स्क्वायर, मतलब इस पूरी चीज़ का स्क्वायर कर देते, तो b² m² a² तो सॉल्व कर लेना है क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल कर देना है इससे, -- पॉजिटिव, 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 6b² m² / a². फिर तीसरी टर्म आखिरी है क्योंकि उसके बाद m4 आ जाएगा ना, तो आखिरी इसके बाद क्या होती थी n n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब जो 6 के बराबर होता है, और इस पूरी चीज़ का क्यूब, तो हो जाएगा b³ m³ a³। सॉल्व करो, इसको कैंसिल करो, 1 टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, इससे कैंसिल करो, -, तो ये माइनस रहेगा, 2 को 5 से करो 10, तो -10 और बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं b³ m³ a³, तो ये तो आपने एक्सपेंड कर दिया। अब रही बात इसकी, इसको दरमियान में नेगेटिव आएगा, ये हो जाएगा 1 + nx - 4 को मल्टीप्लाई करो, तो -12m, फिर होगा n n-1, तो वही -4 - 5/2, सॉल्व करो, वही यहाँ पे 2 आ जाएगा, -, -, +, 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
मल्टीप्लाई 9m का स्क्वायर, ये हो जाएगा 90m का स्क्वायर।
फिर अगेन माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल जो कि सिक्स होता है, सिक्स से सिक्स कैंसिल, फोर को फाइव से करो ट्वेंटी, माइनस तीन दफा आया तो माइनस ट्वेंटी, तो ये माइनस ट्वेंटी हो जाएगा। बाकी थ्री एम का जब आप क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन एम क्यूब, तो मल्टीप्लाई करो टू सेवेंटी फाइव फोर्टी, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव फोर्टी एम क्यूब, ये सिचुएशन बनेगी। अब आपने क्या करना है, सारी टर्म्स को कॉमन लेना है, मतलब जो सिंपल कॉन्स्टेंट है, जो एम की टर्म है, जो एम स्क्वायर है, जो एम क्यूब है, इन को आपने एक साथ लिखना है। अब एक साथ लिखने का तरीका क्या, सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट है उनको हम लिखते हैं, नीचे मैं मैंशन कर रहा हूँ, वन अपॉन ए क्यूब को वन से करोगे और यहाँ पे जो वन है माइनस के साथ, तो पहली टर्म में कैसे लिखूंगा वन अपॉन ए क्यूब और दूसरी क्या होगी माइनस को वन से करोगे माइनस वन, तो एक तो ये टर्म आ गई। अब जरा एम की टर्म ढूंढो, वन अपॉन ए क्यूब को आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए फोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बी एम अपॉन ए फोर, इसी तरह माइनस इसको करो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ट्वेल्व एम, तो जब आप एम कॉमन लोगे पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 12 माइनस थ्री बी अपॉन ए फोर, ये आपने m कॉमन ले लिया। फिर आपने m स्क्वायर लेना है, वन अपॉन ए क्यूब को इसे मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 6 बी स्क्वायर अपॉन ए फाइव एम स्क्वायर, इस माइनस को इसे मल्टीप्लाई करना ये हो जाएगा माइनस नाइन्टी एम स्क्वायर, अगेन आप m स्क्वायर कॉमन लो ये हो जाएगा 6 बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर फाइव माइनस नाइन्टी एम स्क्वायर, और अब आखिरी रह गए एम क्यूब को आपने कॉमन लेना है, तो वही वन अपॉन क्यूब को इसे मल्टीप्लाई कर दो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वन अपॉन क्यूब को, अच्छा ये माइनस की टर्म है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस पॉजिटिव तो ये हो जाएगा 540, और वन अपॉन ए क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करो ए सिक्स हो जाएगा, नीचे ऊपर होगा माइनस टेन बी क्यूब अपॉन ए सिक्स, ये है एम क्यूब की टर्म। अब मैं ज़रा राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड क्या थी सी एम स्क्वायर प्लस डी एम क्यूब, अब अगर आप देखो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट भी नहीं है, राइट हैंड साइड पे एम भी नहीं है, तो आप इस तरह लिख सकते हो जीरो कांस्टेंट प्लस जीरो एम, तो इसके स्टार्ट में ना लिख देना जीरो प्लस जीरो एम, फिर लिखना सी एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। अब इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल है तो इसका मतलब इनके कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे बराबर होगा, तो वन अपॉन ए क्यूब माइनस वन को जीरो के बराबर रखना, सॉल्व करना ए क्यूब यहाँ पे वन आएगा, ए क्यूब अगर वन के बराबर है तो ए क्या हो जाएगा सिंपल वन के बराबर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर आप क्या करना, यहाँ पे m का कोफिशेंट है 12 माइनस थ्री बी अपॉन ए फोर, इसको बराबर रखना यहाँ पे जो कोफिशेंट है, तो 12 माइनस थ्री बी अपॉन, अब देखो ए फोर में a की वैल्यू 1 पुट करोगे सिंपल 1 हो जाएगा, तो 12 माइनस थ्री बी इसको इक्वल रखना जीरो के, सॉल्व करना b यहाँ से 4 आ जाएगा, सेम वही काम करना यहाँ पे, इस पूरे को आप बराबर रखना यहाँ पे जो m स्क्वायर कोफिशेंट है, b और a की वैल्यू पुट करना, ये जो पूरी चीज़ जो है b क्या था 4 था ना, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 को 16 से अगर आप करोगे तो 80 आता है ना, नहीं 96 आता है आई गेस, 6 को हम 16 से करेंगे तो 60, हाँ 96 आता है, 96 माइनस 96 तो C जो है वो 6 आ जाएगा, बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ मिस्टेक हो सकती है। फिर B क्यूब पुट करो, 4 का क्यूब क्या होता है 64, नीचे तो ये हो जाएगा 64 को 10 से करो 640, तो जो D है मतलब ये पूरी चीज़ को D से करोगे तो आई गेस 100 आ रहा है, इतना फ़र्क आना चाहिए तो नहीं, वैसे मैं एहतियातन चेक भी कर लेते हैं हम भाई, बहुत जल्दी जल्दी में जगह बचाइए हमने, 7 का 5 नहीं 7 ही था ये, तो ए वन है बी फोर है सी माशाल्लाह डी माइनस 100 आ रहा है, हाँ ये बड़ी क्वांटिटी थी ना तो माइनस 100 होगा माशाल्लाह, अच्छा सॉल्व किया, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चैप्टर 8 के सवाल बच्चों बहुत इजी हैं, एसएच करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है भाई, सब रियल नंबर सिवाय वो नंबर जो उसके डिनोमिनेटर को जीरो कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 4 जो है वो जीरो कर रही है, तो माइनस 4 को आप रियल नंबर में से निकाल दो तो ये डोमेन बन जाएगी, MCQ लेवल का सवाल है। इसको वैसे लिखने का एक और तरीका भी होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 4 यूनियन माइनस 4 से लेके इन्फिनिटी, देखो माइनस 4 मसला कर रहा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 4 तक के कोई नंबर मसला नहीं कर रहे, माइनस 4 से लेके इन्फिनिटी तक के कोई नंबर मसला नहीं कर रहे, मसला कर रहा है माइनस 4, तो दोनों तरफ देखो मैंने राउंड ब्रैकेट लगाई हुई, माइनस 4 को इंक्लूड नहीं करना, तो इस चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हो, या हाँ इस तरह लिख सकते हो। दूसरा फंक्शन जो है ये वो फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन के डोमेन निकालने का तरीका क्या है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखो, तो डोमेन यहाँ पे क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हो माइनस 3 से लेके इन्फिनिटी,
कि माइनस थ्री से ग्रेटर ही या माइनस थ्री आप पुट कर सकते हो। अगर माइनस थ्री से छोटा कुछ पुट कर लिया फॉर एग्जाम्पल माइनस फोर, तो फिर वो डोमेन में नहीं आएगा, वो इमेजनरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला हुआ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शन। यार ये वही कॉन्सेप्ट है 8.4 का। इस फंक्शन को आपने ड्रॉ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वही ग्राफ में जिस तरह ड्रॉ करना सिखाया था, ये पैराबोला है, इसको ड्रॉ करना जिस तरह मैंने सिखाया हुआ था उस तरह में ड्रॉ करना है। वर्टेक्स फॉर्म में भी आप कर सकते हो, इंटरसेप्ट निकाल लेना। अच्छा वाई इंटरसेप्ट तो उसका खैर कुछ भी नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। इंटरसेप्ट आप निकाल लेना यहाँ पे, और क्या कहते हैं ओरिजिन से पास कर रहा होगा, मतलब एक पॉइंट इसका 0.0 है, एक पॉइंट इसका इंटरसेप्ट है, मतलब आई गेस 1 आएगा, मतलब 1.0 एक इसका पॉइंट है। इसी तरह इसका वर्टेक्स निकाल लेना। वर्टेक्स निकालने का तरीका, इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, या दोनों इंटरसेप्ट आपके पास आ गए ना, 0 और 1 आया इंटरसेप्ट, तो 0 प्लस 1 को 1/2, तो 1/2 इसका वर्टेक्स है, एक्स वैल्यू है, 1/2 यहाँ पे पुट करना, 1/4 माइनस 1/2, तो आई गेस ये क्या हो जाएगा, ये होता है 0.25, ये तो माइनस 1/4 ही आ रहा होगा, तो ये जो है इसका वर्टेक्स आ जाएगा। तो इस तरह पॉइंट्स निकाल के आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये तो एग्जैक्ट वही है जो हमने 8.3 के अंदर आई गेस देखा था, एग्जैक्ट वही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। 5 में आपको एक फंक्शन गिवन है और लिखा भाई गिवन दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, कंडीशन आपको दी हुई है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट करूंगा तो आंसर 5 आना चाहिए। फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंडीशन क्या है कि अगर मैं इसकी जगह x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये पहली टर्म भी 0, दूसरी टर्म भी 0, सी बच जाएगी, और ये पूरी चीज़ किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। तो सॉल्व करना मतलब डायरेक्ट सी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर कंडीशन क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर माइनस 1 पुट करूंगा x की जगह पे, तो ज़रा माइनस 1 पुट करना, मतलब ये चीज़ ज़रा मालूम करो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहाँ माइनस 1 पुट करो माइनस बी, और सी की जगह 5 पुट कर दो, वो तो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है। तो एफ ऑफ माइनस 1 किसके बराबर है, सवाल में लिखा है 15 के बराबर है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इक्वेशन बनेगी ए माइनस बी इक्वल टू 10, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 1। तो आप x की जगह 1 पुट करना, ये हो जाएगा a, यहाँ पुट करना ये b, c की जगह 5, इसको बराबर रखना 1 के। तो सॉल्व करना इक्वेशन आएगी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 4, दूसरी इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, a और b आपके पास आ जाएगा, c तो ऑलरेडी आ गया था। 6 में बोला हुआ फंक्शन आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। वो कह रहे हैं कि ऐसी वैल्यू निकालो जिसमें ये जो पूरा फंक्शन है ये किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ 3 के बराबर आ जाए। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ 3 के बराबर आ जाए। एफ ऑफ 3 क्या है कि इस फंक्शन में x की जगह पे 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 3 पुट कर दो, ठीक है, तो 9 माइनस 9 प्लस 5 कैंसिल करो, तो मतलब ये पूरी चीज़ जो है किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर आ जाए। ये कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स मतलब ये पूरा फंक्शन बराबर हो किसके, एफ ऑफ 3 के बराबर हो, ये है पूरा आपका एफ ऑफ 3। तो सॉल्व करो, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करना यहाँ पे, एक x की वैल्यू 0 आ रही होगी, एक x की वैल्यू 3 आ रही होगी, तो ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे ना तो आपका फंक्शन एफ ऑफ 3 के बराबर आ जाएगा। मतलब x की दो वैल्यूज़ हैं ना, 0 और 3। 3 पे तो आपका ऑब्वियसली, मतलब अगर आप यहाँ पे x के अंदर 3 पुट करोगे तो एफ ऑफ 3 तो एफ ऑफ 3 के बराबर ही आएगा। एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0, कि जब आप फंक्शन के अंदर एफ ऑफ 0 पुट करोगे तब भी वो एफ ऑफ 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये दो एक्स की वैल्यूज हैं। चैप्टर नंबर 9 की अगर आप बात करो तो MCQs तो हमने कर लिए थे। सवाल है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया है, चैप्टर 8 में मैंने बताया था ग्राफ किस तरह बनाना है। इसको मैंने आप लोगों को वैसे बोर्ड पे सॉल्व करवाया था कि ग्राफ इसके किस तरीके से बनाते हैं, तो ग्राफ पेपर बनाना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है जिसको आपने ड्रॉ करना होता है, आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। इंटरसेप्ट निकाल के ये इनक्वालिटी आ जाएगी, जो ग्रेटर वाला रीजन है उसको शेड कर देना। मतलब ग्राफ पेपर पे पहले ये नहीं शेड करना, ग्राफ पेपर पर जो फाइनल रीजन है उसी को शेड करना, ये रफ पे आप कर लेना। फिर इसमें जो है इसमें भी ग्रेटर वाला रीजन शेड कर देना। फिर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा ना कॉमन, उसको सिलेक्ट करना, और जो ग्राफ आपने बनाया होगा ना, मतलब इन दोनों इनक्वालिटीज को जो आपने ड्रॉ किया होगा, सिंपल इन दोनों इनक्वालिटीज को आपने स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ करना है। जब आपको पता चल जाए कि यार फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइन है, ये दूसरी जा रही है, खैर ये तो बड़ा जीवन है, और ये वाला जो है ये इनका शेडेड रीजन है, तो जो आपने दोनों लाइन का ग्राफ बनाया हुआ होगा ना, जो शेडेड रीजन होगा वो जाके फिर आप ग्राफ में शेड कर देना, ठीक है। उससे पहले शेड वेड करके खराब नहीं करना ग्राफ को। तो बस इसमें फिजिबल रीजन वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आता है वो आ गया आपके पास। 3 में ही बोला हुआ फिजिबल रीजन निकालो, बस यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज हैं आपके पास, इसमें ग्रेटर वाला रीजन होगा, इसमें लेस वाला रीजन होगा,
इसमें ग्रेटर वाला रीजन होगा, क्योंकि y नेगेटिव है ना। अगर y पॉजिटिव होता तो लेस वाला रीजन था, y नेगेटिव है इसलिए ग्रेटर वाला रीजन इसके अंदर होगा। तो जो कॉमन है इनके दरमियान और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो वो शेड कर देना। ये मैंने डिटेल में आप लोगों को क्लास में सिखाया है, दोबारा सिखाने का मकसद नहीं है। फोर में क्या बोला हुआ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। इस टाइप के सवाल हमने आखिरी 9 की जो एक्सरसाइज थी उसमें किया था कि आप इसको सॉल्व करोगे, कॉर्नर पॉइंट निकालोगे और कॉर्नर पॉइंट को आप यहाँ पे पुट करोगे, जिस पे आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा वो पॉइंट बता देना, जिस पे आपको मिनिमम मिलेगा वो बता देना। मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं कंडीशन बता देता हूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया है किस तरह सॉल्व करना है, पूरे स्टेप्स भी बताए थे। कंडीशन देख लो कि लिखा हुआ है डीलर विशेस टू परचेज सम ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन, कि उसने कुछ फैन परचेज करने हैं और कुछ सिलाई वाली मशीन उसने परचेज करनी है। तो मतलब एक को एक्स कह दो, मतलब नंबर ऑफ फैंस। असल में सवाल ये होगा ना, हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स। वो लेना है एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फैन को, कितने फैन वो परचेज करेगा। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी स्विंग मशीन उसने परचेज करनी है। अब जरा रिस्ट्रिक्शन पे आओ, ही हैज़ ओनली 5760। अब मुझे नहीं पता है सिंबल क्या है, ये शायद जापानी करेंसी हो या किसकी है, खैर मुझे नहीं पता, गूगल करके आप देख सकते हो। ये उसके पास है 5760 टू इन्वेस्ट इन स्पेस ऑफ एटमोस्ट 20 आइटम। ये पहली रिस्ट्रिक्शन है कि भाई उसके पास मैक्सिमम 20 आइटम्स रखने की जगह है। अब 20 आइटम में दोनों आ जाएंगे, पंखे और स्विंग मशीन। तो पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि x प्लस y जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए। क्यों? x रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ फैन, फॉर एग्जांपल आपने 5 फैन लिए हैं, और y रिप्रेजेंट करेगा स्विंग मशीन को, फॉर एग्जांपल 10 आपने स्विंग मशीन ली है। तो इन दोनों आइटम को अगर ऐड करोगे तो या तो 20 से कम हो या 20 के बराबर हो। 20 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 20 से कम भी हो सकता, फॉर एग्जांपल 15 आ जाए। वो डिपेंड करेगा ना, आपने प्रॉफिट के हिसाब से चलना है ना। ये थोड़ा ना कि पूरे 20 आपने लेने, आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना आइटम्स आप लोगे। तो मैक्सिमम 20 तक आप जा सकते हो, वरना 20 से पहले पहले तक ही रहना है। ये एटमोस्ट का मतलब होता है। तो ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। द कॉस्ट ऑफ अ फैन एंड अ स्विंग मशीन आर, देखो जो फैन की कॉस्ट है वो है 360x लिख दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 5 आपने फैन लिए हैं तो 5 को 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल फैन की कॉस्ट आ जाएगी, और 240 है स्विंग मशीन की। टोटल अगर 5 आपने लिए हैं तो 5 को 240 से कर दो, इसकी आ जाएगी। और टोटल उसके पास कितने पैसे थे, टोटल थे 5760। तो ये जो 5760 है ना, इसी के अंदर ये पैसे डिवाइड होंगे। तो ये एक और रिस्ट्रिक्शन क्या है, नहीं कम कम होंगे, लाइक लेस देन और इक्वल टू होगी। क्यों? क्योंकि देखो जब उसने क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है कि आपके पास टोटल अमाउंट ये है, तो या तो आप पूरी खर्च कर दोगे या इससे कम खर्च करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता इससे ज्यादा आप खर्च कर दोगे। तो एक्स और वाई मतलब नंबर ऑफ फैंस और नंबर ऑफ स्विंग मशीन आपने उस हिसाब से लेनी है कि जब आप इनको इनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 फैन ले लिए, 10 स्विंग मशीन ले ली, तो जो इनका सम है वो इससे कम ही आना चाहिए, सम ग्रेटर नहीं आ सकता इसका। ठीक है, ये आपके पास एक और रिस्ट्रिक्शन है। ये दो रिस्ट्रिक्शन है कॉन्स्टेंट जिसको हम कहते हैं। वी वॉन्ट प्रॉफिट ऑन अ फैन एंड अ स्विंग मशीन। प्रॉफिट क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि 22 पर यूनिट प्रॉफिट हो फैन पे और 18 पर यूनिट प्रॉफिट हो स्विंग मशीन पे। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको आपने क्या करना होगा, मैक्सिमाइज, क्योंकि प्रॉफिट का फंक्शन है, प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करते हो। मतलब आपने ऐसा एक्स और वाई पुट करना है जो इस रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे और साथ साथ आपको मैक्सिमम आंसर दे। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इस सवाल को आपने सॉल्व करना है और इन दो को तो आपने लाजमी शामिल करना है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है। इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले इसको डिवाइड कर देना। ये लग रहा है कि 120 से डिवाइड हो जाएगी पूरी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को 120 से डिवाइड कर देना और देख लेना, इंशाल्लाह आपके पास एक सिंपल इनइक्वालिटी आ जाएगी। दोनों को ड्रॉ करना, जो ये लेस वाला रीजन है ये भी लेस वाला रीजन होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है उसको शेड कर देना, कॉर्नर पॉइंट निकालना वो यहाँ पे पुट करना, जिसपे मैक्सिमम आंसर मिले वो आपका रिक्वायर्ड है। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ बच्चों, बहुत ईजी सवाल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ये चीज़, तो खैर पूरा फॉर्मूला बना रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये पूरी चीज़ जो है ये आपका अल्फा है, ये पूरी चीज़ जो है ये बीटा है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो यहाँ पे आपका अल्फा आपने क्या लिया, अल्फा आपने लिया पाई बाय 4 माइनस अल्फा, प्लस बीटा आपने क्या लिया है पाई बाय 4 माइनस बीटा। अभी कोई और नाम दे देना, जरूरी थोड़ा यहाँ पे अल्फा बीटा इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसको ए बोल देना, इसको बी बोल देना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का। नाम देने में क्या फर्क है। तो पाई बाय 4 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। ये है माइनस अल्फा माइनस बीटा, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, कॉमन ले लो। अब ये सिंपल वो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई थी कि 90 पे आपका फंक्शन चेंज होता है, तो कॉस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन की फॉर्म में, जो यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा।
90 में से कुछ माइनस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो सिंपल ये पूरी चीज़ जो है बराबर हो जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा की, जो कि आपको प्रूफ करनी थी। अच्छा जी, इसमें क्या करना है, इस पर आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो कॉस यू माइनस कॉस वी का, तब भी आंसर आ जाएगा। ये पूरी चीज़ जो है इसको यू ले लेना, इस वाली पूरी चीज़ को वी ले लेना। तो कॉस यू माइनस कॉस वी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू साइन यू माइनस वी अपॉन टू। वैसे अगर इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है इतना, ये यू है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे थीटा कैंसिल हो जाएगा, थ्री पाई बाय फोर होता है 135 135 135, ये हो जाएगा 270, मतलब 270 लिख देते हैं चलो, ऐसे अपॉन टू भी है ना, तो मतलब 135 ही होगा यहाँ पे। और फिर है यू माइनस वी, जब थ्री पाई बाय उसको माइनस करोगे, थ्री पाई बाय फोर की टर्म कैंसिल, थीटा प्लस थीटा टू थीटा, डिवाइड करोगे सिंपल साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, साइन 135 क्या होता है, अल्लाह भला करे 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 या √2/2 भी आप लिख सकते हो, कैलकुलेटर सॉल्व करो तो √2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, -√2 साइन थीटा, सवाल आपका प्रूफ। तो बहुत बच्चों वाले सवाल है। अच्छा, इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर 6 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा, यहीं पे हम करेंगे जो भी हमने करना है, हमने अपनी जगह बचानी है। तो साइन क्या लिखा हुआ, क्या सवाल क्या है, साइन स्क्वायर 6 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, तो हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, साइन 6 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। और उसके बाद सवाल में दिखने में लग रहा है कि दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इस पे अप्लाई करना है साइन यू प्लस साइन वी, इस पे अप्लाई करना है साइन यू माइनस साइन वी, तो ये हो जाएगा 2 sin 5 थीटा। ये कर लेना किस तरह होगा, फॉर्मूला अप्लाई मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सा करना है, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 cos 5 थीटा साइन थीटा, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 4, फिर है साइन 5 थीटा, वहाँ पे है साइन थीटा, फिर है कॉस 5 थीटा, फिर है कॉस थीटा। तो अगर आप देखो एग्जैक्ट ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑर्डर में लिख लेना तो सवाल आपका हो जाएगा। 4 में ऊपर लगा देना साइन यू प्लस साइन वी का, नीचे लगा देना कॉस यू प्लस कॉस वी का, बस एक दफ़ा फॉर्मूला अप्लाई करोगे चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, मेरे ख्याल में ऊपर बचेगा साइन 4 थीटा, नीचे बचेगा कॉस 4 थीटा, तो वो बराबर हो जाएगा टेंजेंट 4 के। 5 में आप एक काम करना, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करना कॉस यू प्लस कॉस वी का, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2 cos 7 थीटा/2 और कॉस थीटा अपॉन 2, मतलब मसला हो जाएगा, इन दो पे अप्लाई ना करो तो बेहतर है, कॉस 4 थीटा और कॉस 2 थीटा पे अप्लाई कर लेना, बस इसको इस ऑर्डर में लिख देना, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, इस ऑर्डर में लिखना ताकि फॉर्मूला आसान लगे। तो जब इन दो पे अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos 3 थीटा cos थीटा, ये न्यूमरेटर होगा आपका, डिनोमिनेटर में सेम यही काम करना साइन 4 थीटा इसको करना, तो ये हो जाएगा साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला होगा 2 sin 3 थीटा cos थीटा, फिर हो जाएगा साइन 3 थीटा। तो अब देखो ऊपर आप इन दोनों टर्म से कॉस 3 थीटा कॉमन ले लेना, जब कॉस 3 थीटा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2 cos 3 थीटा और यहाँ से आएगा 1, इसी तरह नीचे साइन 3 थीटा कॉमन लोगे अगेन यहाँ पे आएगा 2 cos 3 थीटा + 1, तो 2 cos 3 थीटा + 1 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा कॉस 3 थीटा, नीचे बचेगा साइन 3 थीटा, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ये जो पूरी चीज़ है इसको इसके बराबर है, चलो अप्लाई करते हैं साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा साइन यू माइनस साइन वी, तो फॉर्मूला होगा 2 cos 4 थीटा साइन थीटा और साथ बचा है साइन 2 थीटा, और इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, कॉमन तो आना चाहिए वरना मसला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है ना। हाँ ये कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा जो है ये बराबर हो सकता है हाफ, अगर डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ इसके बराबर हो जाएगा, हाँ अब कॉमन आ रहा है इस वाली टर्म में, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है साइन 2 sin 3 थीटा कॉमन आ रहा है, तो आप 2 sin 3 थीटा कॉमन लो, पहले टर्म में से बचेगा कॉस 4 थीटा और दूसरी में से बचेगा कॉस थीटा। अच्छा जी, अब इसे फॉर्मूला अप्लाई कर दो कॉस यू प्लस कॉस वी का, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 cos 5 थीटा/2 कॉस 3 थीटा/2, हाँ ये तो है 2 2 4, तो 4 sin थीटा
कॉस 3 थीटा अपॉन 2 कॉस 5 थीटा अपॉन 2। सवाल आपका कंप्लीट। 11 में बच्चों काफ़ी सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड काफ़ी हैं। इसमें से कुछ सवाल जो हैं वो मैं एडिट करके लगा दूंगा क्योंकि ये पुरानी बुक में थे, मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ भाई। 2 जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों ने किया था, इसी किस्म के सवाल थे ये। देखो R2 जो है ये एग्जैक्ट R1 का सवाल मौजूद था, तो ये तो देख लेना आप लोग बच्चों, कोई बड़ा मसला नहीं है। इसी तरह इसको भी करने का बड़ा आसान तरीका मैंने टेक्निक इसमें बताई थी, आपने किसी तरह वो डेल्टा वाला फॉर्मूला कंप्लीट करना होता था, S S-A S-B S-C, तो इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन S-A S-B, फिर यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में S-B S-C, ये होगा S-C S-A। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, S-A S-B S-C। तो सॉल्व कर लेना एंड पे, आप मेरे ख्याल में एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो वो डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा बन जाएगा, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा इसी पैटर्न पे। देखना ना आए तो फिर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत ईजी सवाल होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, मैंने डिटेल में बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालना है, बड़ा ईजी है। कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। ABC तो गिवन है, डेल्टा आपको गिवन नहीं है, तो डेल्टा आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेना क्योंकि तीनों साइड गिवन है, हीरोज फॉर्मूला से आ जाएगा। और स्मॉल आर का फॉर्मूला वही डेल्टा अपॉन एस होता है। एस निकालना तो बड़ा इजी है, एस का फॉर्मूला होता है A+B+C/2। आसानी से हो जाएगा सवाल। 5 में बोला हुआ है R1 R2 R3 निकालना है। अगेन R1 R2 R3 में एक तो डेल्टा आता है, दूसरा एस आता है, ABC तो आपको पता होता है ना, तो डेल्टा और एस निकाल लेना, फिर R1 R2 R3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, सेम किस्म का क्वेश्चन आगे भी मौजूद है। असल चीज़ क्या है, लिखा हुआ है अ हाइकर वॉक्स ड्यू ईस्ट। देखो डायरेक्शन क्या होती है, ये होता है ईस्ट, ये है वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये कंपास की डायरेक्शन है। हाइकर यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट हुए, एक हाइकर ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट ईस्ट की डायरेक्शन में जाना, तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में गया है 4 किलोमीटर पर आवर पे, मतलब उसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। एंड अ सेकेंड हाइकर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट हुए थे, वॉक 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अभी मैंने क्लास में बताया था नॉर्थ ईस्ट को अच्छा वर्ड नहीं है, या तो होना चाहिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट या होना चाहिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा नीचे इन्होंने कहीं मेंशन किया हुआ है यहाँ पे किसी सवाल में, ये देखो ये मेंशन है, ये देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसी तरह ईस्ट ऑफ साउथ, तो ये असल वर्ड होता है ईस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ ईस्ट, इस तरह आप बोलते हो। नॉर्थ ईस्ट तो ये तो एग्जैक्ट इसकी बात की जाती है, अगर दरमियान में 45 डिग्री पे अगर कोई हो तो इसको आप कहते हो नॉर्थ ईस्ट, वरना नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेरे नज़दीक करीब तरीन है नॉर्थ ऑफ ईस्ट के, तो मैं उसी हिसाब से करवाता हूँ। कुछ टीचर इसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ के हिसाब से करवाते हैं, यहाँ पे एंगल बनाते हैं। अभी एम्बिग्यूटी आप क्लास में लिख देना पेपर में कि यार नॉर्थ ईस्ट में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका मतलब है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट के नॉर्थ में जाना, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट के नॉर्थ में, तो ये पूरा ईस्ट है, इससे नॉर्थ में आप जा रहे हो, और क्या एंगल बन रहा है 55 डिग्री, तो दूसरा जो है वो 55 डिग्री पे जा रहा है। सवाल ये है, सवाल क्या है, एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इसका रेट क्या है, वेलोसिटी कह लो 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल दे बी आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद कितना दूर होंगे। तो भाई एज्यूम कर लो 3 घंटे के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, ये 3 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँच गया, ये एक पूरा ट्राइंगल आपने कंप्लीट कर लिया। आपको इस ट्राइंगल की ये वाली साइड निकालनी है, मतलब ये दोनों यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे, तो ये आपस में कितना दूर है, मतलब ट्राइंगल की ये साइड आपको निकालनी है। सवाल है कि बाकी साइड आपको गिवन है, ये गिवन है आपको, कैसे निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल नाम दे देते हैं इसको ABC का नाम देना, तो ये हो जाएगा ए, हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। तो क्या सी आपको पता है, सी बिल्कुल पता है क्योंकि 3 घंटे बाद की बात की जा रही है, तो वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 3 घंटे में कितने करेगा 12 किलोमीटर। इसी तरीके से जो बी जो है ये भी आपको पता है, उसकी वेलोसिटी थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो अगर 3 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा 15, तो सी हो जाएगा 12, बी हो जाएगा 15 किलोमीटर। और आपको क्या पता है, जो ए पे एंगल बन रहा है, मतलब आपको अल्फा पता है। तो सिंपल आपको निकालना क्या है, ए के आपस में कितना दूर है, ये ए निकालना है। सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन आप यूज़ करोगे, A² = B² + C² - 2BC cos α। हर चीज़ पता है, ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, रूट ले लेना, यहाँ से आपके पास ए का आंसर आ जाएगा, और जो भी ए का आंसर होगा वो किलोमीटर के अंदर होगा। उसके बाद अगर आप बात करो इस वाले सवाल की, तो मैं एडिट करके लगा दूंगा, ये वाला सवाल भी एडिट करके लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बोला हुआ है कि 3 पॉइंट है ABC, उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। इस तरीके से ट्राइंगल बनाया है कि 3 एंगल जो है उनका रेशियो क्या है, 1:2:3। हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड। जो ट्राइंगल की 3 साइड है ना, उनकी लेंथ जो है उनका रेशियो फाइंड करना है। मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड नोटेशन जो है ट्राइंगल की वो क्या है,
कि जो वर्टेक्स पॉइंट जो है इनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अच्छा, ए पे एंगल बनता है अल्फा, बी पे एंगल बनता है बीटा, सी पे एंगल बनता है गैमा। अल्फा के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, बीटा के सामने वाली स्मॉल बी, गैमा के सामने वाली स्मॉल सी। ये जो स्मॉल ए बी सी है ये लेंथ को शो करते हैं साइड के, मतलब ये जो साइड है ना बी सी इसकी लेंथ ए के बराबर है, साइड ए सी जो है इसकी लेंथ बी के बराबर है, और साइड ए बी इसकी लेंथ सी के बराबर है। तो बेसिकली हमें लेंथ ऑफ साइड जो है उनका रेशो फाइंड करना है, मतलब ए इज टू बी इज टू सी ये फाइंड करना है। और गिवन क्या है, एंगल का रेशो गिवन है। अब ये सवाल समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ रेशो के बारे में। देखो रेशो जो होता है सिंपल हम आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे लेट कर लो एक क्लास है उसके अंदर आप लोगों की एग्जांपल देता हूँ, कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं कुछ सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। लेट कर लो फर्स्ट ईयर के 10 स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के 15 कर लो, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूँ, अच्छा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास के अंदर, 10 + 15 = 25 हो जाएगा। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूँ कि आप रेशो फाइंड करो क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट के दरमियान रेशो क्या है, तो किस तरह फाइंड करोगे, क्लास 11 के स्टूडेंट कितने हैं 10 और क्लास 12 के कितने स्टूडेंट हैं 15, तो रेशो क्या है 10:15। लेकिन एक चीज़ याद रखना, रेशो को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। कभी भी आप कहीं भी रेशो देखो ना तो वो ये नहीं लिखा होगा 10:15, कहीं भी नहीं लिखा होगा, ऐसा कभी मिलेगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि रेशो को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको कैंसिल करो 5 से ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो रेशो क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो एक चीज़ बता दूँ, रेशो हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। अब आप लेट क्या करो, आप सिंपल 2:3 जो है इसको कंसीडर करो, भूल जाओ ऊपर क्या था कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। 2:3 गिवन है और साथ आपको वो बोल दें कि टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हैं 25 हैं। अब देखो अगर मैं इसको ये बोलूँ कि क्लास 11 के 2 स्टूडेंट हैं क्लास 12 के 3 स्टूडेंट हैं, तो ये चीज़ ठीक होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनको अगर आप ऐड करोगे तो सम क्या आएगा, 5 आएगा, और उन्होंने बोल दिया स्ट्रेंथ कितनी है क्लास के अंदर 25 है। तो आपने कुछ ऐसा करना है कि स्ट्रेंथ ऐड होके कितनी आए 25 आए। तो रेशो को आप अपने मर्जी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 + 8 = 20, इसका मतलब है अभी तक हम सही पोजिशन पर सही जगह पर नहीं आए। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, और जब इसको ऐड करो स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 25 आ रही है। तो यहाँ से देख के मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्लास में स्ट्रेंथ क्लास 11 के लड़कों की 10 है और क्लास 12 के लड़कों की 15 है। तो इस तरह रेशो में हम खेलते हैं कि एग्जैक्ट जो गिवन होता है इसका मतलब ये नहीं कि इतने स्टूडेंट हैं, यहाँ से आपको पता चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि रेशो को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ होता है। इसी तरह आप टॉपिक पे आ जाओ, ये जो एंगल का रेशो में लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि अल्फा 1 डिग्री के बराबर है, बीटा 2 डिग्री और गैमा 3 डिग्री के बराबर है, ये इनको आपस में कंपेयर करके लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आपको बेसिकली सबसे पहले एक्चुअल फॉर्म मालूम करनी है, मतलब एक्चुअल वैल्यू मालूम करनी है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, गैमा की वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर ये मालूम नहीं होगा तो फिर आप ये चीज़ फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब एक्चुअल फाइंड करने का तरीका क्या है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि 25 स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, मतलब दोनों क्लासेस के स्टूडेंट को सम करो तो 25 आता है। इसी तरह यहाँ पे आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर तीनों अगर एंगल को आप सम करो तो क्या आता है 180 डिग्री के बराबर आता है। तो आपने किसी ऐसे नंबर से, ये जो रेशो गिवन है ना 1:2:3, आपने कुछ ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि जब ऐड करो तो सम कितना है 180 डिग्री आए, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। बस आप आपको वो नंबर फाइंड करना है, जैसे आप नंबर फाइंड कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे आपने नंबर क्या फाइंड किया था, 5 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो आपके पास एक्चुअल आ गए थे कि क्लास 11 10 है क्लास 12 15 है, तो यहाँ पे नंबर क्या था 5, ठीक है, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और एक्चुअल आपके पास वैल्यूज आ गए। इसी तरह यहाँ आपने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि एक्चुअल आपके पास अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू आ जाए। वो नंबर किस तरह फाइंड करोगे, उसके लिए क्या करो आप, उस नंबर को आपने दोनों से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इधर भी उस नंबर को हम तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक्स वन लिखो या 1x लिखो एक ही बात है, 1x 2x और 3x। अब आपको पता था कि जब हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया था 5 से, ये मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ इसके बैकग्राउंड की, वरना मैं डायरेक्ट बता दूँ आपको कि 1x 2x लेट कर लो और वो हो जाएगा, मैं सिर्फ बैकग्राउंड में बता रहा हूँ क्यों x मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या सीन है, और एक और चीज़ भी बताऊँगा मैं।
जब आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 10 और 15 हुआ था, जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। इसी तरह जब मैंने यहाँ से x से मल्टीप्लाई किया, x कोई नंबर है, यहाँ पे मुझे पता था यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अब जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास सम क्या आना चाहिए, मेरे पास सम 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया, 1x 2x और 3x इनको आपस में ऐड कर दिया, ये क्या हो जाएगा 6x, x की वैल्यू निकालो यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगी। तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई करना है ना, वो क्या है, 30 डिग्री है। कैसे, 30 को 1 से करो 30 डिग्री, 30 को 2 से करो 60 डिग्री और 30 को 3 से करो 90 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएंगी एक्चुअल वैल्यू, अल्फा हो जाएगा 30, बीटा हो जाएगा 60, गैमा हो जाएगा 90। क्यों, क्योंकि अगर आप इनको ऐड करो तो सम आपके पास क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो, 30 into 2 60 होता है, 30 into 3 90 होता है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी, 1:2 1:2:3 आ जाएगी। अब ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर पेपर में लेट से आपके पास ये आ रहा है अल्फा बीटा गैमा बराबर है 4:2:3, तो आपने हमेशा अल्फा को, अच्छा आमतौर पे टीचर क्या करते हैं, 1 नहीं लिखवाते ना, सिर्फ एक्स लग देते हैं, तो वो समझते हैं हमेशा अल्फा को हमने एक्स ही लेना है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, हमेशा एक्स नहीं लेना। इस वाली सिचुएशन में अल्फा क्या होगा, 4x, बीटा क्या होगा, 2x, गैमा क्या होगा, 3x। या आमतौर पे इसको इस तरह लिखते हैं, 4:3:2, इस तरह कर दो तो आसानी हो जाएगी। तो बीटा क्या हो जाएगा, 3x, और गैमा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आप इनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद सम कितना, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। आप x की वैल्यू निकालो, जो भी x की वैल्यू होगी, मतलब सिंपल है ना सॉल्व करना, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। जैसे इधर हमने सॉल्व किया, आपने x की वैल्यू निकाली 30 डिग्री, उसके बाद अल्फा बीटा गैमा किस तरह निकालोगे, अल्फा बराबर है 1x के, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करो 30, बीटा बराबर है 2x के, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो 60, और गैमा क्या होगा, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करो 90 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आप करना, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे लगता है 20 डिग्री आ रही होगी, 4+3 7 7+2 9 9 को 180, हाँ x की वैल्यू 20 डिग्री आ रही है। तो 4 को जब 20 से करो 80 डिग्री, 3 को 20 से करो 60 डिग्री और 2 को इसे करो 40 डिग्री। तो ये आपके पास अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू आ गई। दोबारा जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4:3:2 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने आप लोगों को रट्टा नहीं लगवाया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। आपने बेसिकली वो नंबर फाइंड करना होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो एक्चुअल हमारे पास नंबर आ जाए, और एक्चुअल नंबर हमारे पास क्या था, 180 डिग्री था, क्योंकि सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। खैर, इसके बाद जब आपके पास अल्फा बीटा गैमा आ जाए, उसके बाद आपके लिए इजी है, सिंपल जो साइन लॉ है उसको यूज़ करो, क्योंकि साइन लॉ में ए और बी को हम आपस में कंपेयर कर लिया करते थे, मतलब आसानी होती है कंपेयर करने में। आप क्या करो, बी को नीचे ले जाओ और साइन अल्फा को उधर ले जाओ, साइन अल्फा इधर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, और इसको हम रेशो को डिवीजन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, और रेशो की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, a:b 1:√3, और इसको आप 1 बोल दो। इसी तरह आप b और ये वाला साइन लॉ यूज़ करो, इसमें c को नीचे ले जाओ और साइन बीटा को ऊपर ले जाओ, अगेन बीटा और गैमा की वैल्यू फाइंड करो, सॉरी वैल्यू पुट करो, साइन 90 1 के बराबर होता है तो खाली √3/2 बच जाएगा, रेशो की फॉर्म में लिखो √3:√2 हो जाएगा, नहीं √3:2, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो उसको। अब अगर आप गौर से देखो, 1 और 2 को गौर से देखो, इसमें b का रेशियो जो है वो √3 है, ठीक है, दोनों में। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो a और c को भी, a और c क्या हो जाएगा, 1:2, मतलब a:b 1:√3 है, b:c √3/2 है, दोनों में b सेम है, तो a:c क्या हो जाएगा, 1:2 के, यहाँ से 1 और यहाँ से √2। तो जब तीनों को आपस में कंपेयर करो तो एंड पे रिजल्ट क्या आएगा, a:b:c, ए है 1, बी है √3 और सी क्या है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ मैं बता दूँ, लेट से अगर आपके पास √3 ना हो, यहाँ पे इस वाले सीन में बी आपके पास 2√3 आ रहा है, तो अब आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, सॉरी कंपेयर कह रहा हूँ, डायरेक्ट कंबाइन नहीं कर सकते, आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बी 2√3 है और यहाँ पे बी क्या है, √3 के बराबर। तो अब क्या करोगे आप, सिंपल इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखो, अब बी सेम होगा, तो जब आप इसको रेशो की फॉर्म में किस तरह लिखोगे, 2
इज टू 2√3 इज टू 2 लिख दोगे आप, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी रेशो को सिंप्लीफाई करते हो। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ तो 3 है और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, आप लोग खुद देख लेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कंडीशन क्या गिवन की हुई है, वो कंडीशन ये है कि उनके पास एक रॉड थी 1 मीटर की, ठीक है। उन्होंने बेंड किया है, इस तरीके से बेंड किया है कि एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाया उन्होंने। आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं ट्राइंगल की। इस तरीके से आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाया है कि उसका लार्जेस्ट एंगल जो है वो 95 डिग्री के बराबर है। बस इतना डेटा आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको तीनों साइड की लेंथ मालूम करनी है। अब इस सवाल में जो उन्होंने कंडीशन दी है कि आपके पास 1 मीटर रॉड थी, उसको बेंड करके आपने एक ट्राइंगल बनाया। याद रखना, जो आपके पास 1 मीटर रॉड थी उसकी हेल्प से ही आपने पूरा ट्राइंगल बनाया है। इसमें उस रॉड के अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करके ट्राइंगल नहीं बनाया, सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सवाल में सिंपल ये लिखा हुआ है कि 1 मीटर रॉड थी, उससे आपने ट्राइंगल बनाया है। तो ये जो पूरा ट्राइंगल की तीनों साइड बनी हुई है, ये किस तरह बनी है, उस 1 मीटर रॉड को बेंड करके बनी है। तो इसका मतलब है अगर इन तीनों साइड की लेंथ को अगर आप ऐड करोगे तो किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर होगी। क्योंकि अगर आप बनाना चाहो ट्राइंगल एक रॉड से, किस तरह बनाओगे, सबसे पहले इतना हिस्सा जो है ना ट्राइंगल का, वो इतना ऐसा रहने दो, यहाँ से ना रॉड को बेंड करो, इसको बेंड करोगे मतलब इसको मोड़ के इस तरह ऊपर ले आओ, ठीक है। इसी तरह इसको भी इस पॉइंट से बेंड करके ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो 1 मीटर रॉड से इस तरह आप ट्राइंगल बना लोगे। तो ये जो ट्राइंगल बना, ये पूरा 1 मीटर से बना ना, तो इसका मतलब है अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड इसको, इसको और इसको ऐड करोगे तो पूरा 1 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताना था। तो मैंने सिंपल शुरू में ही लिख दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। कि तीनों साइड की लेंथ को आप ऐड करोगे तो 1 मीटर के बराबर ही होगा, जो इनिशियल रॉड की लेंथ थी। अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए मैंने सेंटीमीटर में कर दी है, वरना वैल्यू उस पॉइंट में आ रही होती 0.28, इस तरह कुछ आ रही होती। मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब सवाल में हमें पता था कि ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलिस है, इसका मतलब है दो साइड उसकी इक्वल है। अगर आप डायग्राम देखो जो मैंने बनाई है, उसे मैंने क्या किया है, लार्जेस्ट एंगल मैंने इस जगह पे बनाया है 95 डिग्री। लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। तो ये लार्जेस्ट साइड है, बाकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनको मैंने इक्वल बनाया है और देखने में भी तकरीबन इक्वल लग रही होंगी, ठीक है। तो ये वाली दोनों साइड इक्वल है और ये लार्जेस्ट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। इस डायग्राम को बनाने के दूसरे तरीके भी हैं। आप लेट कर लो 95 डिग्री यहाँ पे बनाना चाह रहे हो, अगर आपके यहाँ पे 95 डिग्री बनाना चाह रहे हो तो किस तरह बनाओगे, ये एक लाइन बनाओ, इधर 95 डिग्री बनाना चाह रहे हो तो ये 95 डिग्री होगा। इन दोनों साइड को, मतलब जो दो साइड इक्वल है ना, उनके दरमियान ही 95 डिग्री होना चाहिए। ये वाली साइड और इस वाली साइड को अगर आप इक्वल लेट कर रहे हो तो इनके दरमियान ही आप 95 डिग्री बनाओगे। क्यों, क्योंकि 95 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी वो लार्जेस्ट साइड होगी, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड के अलावा बाकी दो साइड जो हैं वो इक्वल हैं आपस में। तो इस वाले ये भी ट्राइंगल आप बना सकते हो, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपस में इक्वल है और 95 डिग्री के सामने वाली साइड लार्जेस्ट है। जिस तरह भी ट्राइंगल बनाना है आपने, इधर भी आप 95 डिग्री बना सकते हो, जिस तरीके से भी बनाना है आपने, बस कोशिश ये रखनी है जहाँ 95 डिग्री बना रहे हो ना, वो जिन दो साइड के दरमियान है वो आपस में इक्वल होंगी। खैर अब आगे चलते हैं। ट्राइंगल आइसोसेलिस है तो मैंने बोल दिया ए बी के बराबर है। अगर आपकी डायग्राम ये होगी तो इसमें नोटेशन चेंज हो जाएंगी। अब ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो इस वाली डायग्राम में ए जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपने डायग्राम बनाई किस तरह, जिस तरीके से बनाओगे उसी तरह ये सब आप लिखते जाओगे। अब यहाँ पे हमें पता है ए बी के बराबर है, तो इक्वेशन 1 में या तो ए की जगह बी पुट कर दो या बी की जगह ए पुट कर दो, बात एक ही, दोनों बराबर हैं। मैंने बी की जगह पे ए पुट कर दिया 2a, यहाँ से सी की वैल्यू निकालो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। क्योंकि मुझे ए की वैल्यू नहीं पता इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया इसको। उसके बाद आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करोगे, किस तरीके से, एंगल कौन सा गिवन है आपको, गैमा गिवन है ना। आपको इस पूरे ट्राइंगल में सिर्फ एक ही चीज़ पता है, वो क्या है, गैमा 95 डिग्री, सी पे जो एंगल बन रहा है वो गैमा होता है। तो आपने वो वाला लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है जिसमें गैमा आ रहा हो। तो इधर गैमा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। सी आपने फाइंड किया 100 - 2a के बराबर है, बी जो है वो ए के बराबर है, यहाँ भी बी की जगह मैं ए लिख दूंगा और गैमा की जगह 95 डिग्री लिख दूंगा। ये हो जाएगा 2a² और यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर मतलब माइनस टू ए स्क्वायर कॉस 95 डिग्री। अब आप क्या करो, इन दोनों टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से माइनस टू कॉस 95 डिग्री आएगा। इस पूरी चीज़ की वैल्यू नंबर है ना, ये कैलकुलेटर में डालो, सॉल्व करो, आपके पास आएगा 2.174 और ए स्क्वायर बाहर लिख देना, और यहाँ पे तो वही है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ रूट ले लो। अच्छा, इधर एक चीज़ का ध्यान रखना, इस पूरी चीज़ के ऊपर होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से मैंने रूट कैंसिल कर दिया, जो सिंपल जोड़ होती है हमारी 100 माइनस 2 है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर जो है ये पूरे के ऊपर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर ए के ऊपर है और 2.174 अलग है। तो ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए, और 2.174 का रूट क्या होगा, 1.474। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, माइनस 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 है, ऐड करो, ये आ जाएगा, ए की वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइड कर दो, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28.78 सेंटीमीटर। अब जो ए की वैल्यू होगी, आपको पता है ए और बी आपस में बराबर हैं, ए ये है तो बी भी क्या होगा, 28.78 सेंटीमीटर। सी रह गया, इस इक्वेशन में आप ए की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 42.44 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड की लेंथ है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आपने 100 सेंटीमीटर की रॉड से ही ट्रायंगल बनाया था, तो ऐड करने के बाद भी 100 सेंटीमीटर ही आएगा। 9 में लिखा हुआ है, टू एरोप्लेन्स हैव अ फील्ड एट द सेम टाइम, लीव अ फील्ड एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम पे लीव किया उन्होंने, एक सेकेंड, हाँ, वन फ्लाइज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब एज्यूम कर लो कि जिस पॉइंट पे थे वहाँ पे आप कंपास रखो, ये उनका इनिशियल पॉइंट था, एक जो है उसने फ्लाई किया है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ के ईस्ट में, मतलब नॉर्थ से अगर आप ईस्ट में जाते हो ना, तो इसको आप कहते हो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री का, तो वो तकरीबन यहाँ पे होगा, ये तो एक तो यहाँ पे, तो दूसरा क्या है, एट 250 किलोमीटर पर आवर, डेटा वेटा बना लेना तो मसला नहीं है। अदर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब साउथ के ईस्ट में, तो ये होता है साउथ, इसके ईस्ट में जाना है, ये ईस्ट है, सॉरी मैंने मेंशन किया हुआ था, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ से आप ईस्ट पे आओगे, और ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब साउथ के ईस्ट में, ये साउथ है तो ईस्ट की डायरेक्शन में आओगे। बिलफर्ज अगर आता वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ के वेस्ट में, ये वेस्ट होता है ना, तो ये एंगल बन रहा होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ के ईस्ट में 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये सिचुएशन है। और इसकी स्पीड कितनी है, 300 किलोमीटर पर आवर। हाफ आर अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ टू आवर्स, अगेन वही अज्यूम कर लो, ये यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये पूरा निकालना है। सवाल है कि ये पूरा एंगल आपको पता है यहाँ पे, बिल्कुल पता है, ये टोटल पूरा एंगल 180 होना चाहिए, पूरा एंगल 180 होना चाहिए, तो ये 30 है, ये 45 है, मतलब 75 है, तो 180 में से आप 75 निकाल लो, ये बनेगा आई गेस 105, 180 माइनस 75, तो हाँ 105 बनेगा। तो ये जो इनके दरमियान जो एंगल है ना, ये पूरा क्या है, 105 डिग्री है। और अगेन आपको ये साइड पता है, ये 250 किलोमीटर पे था, दो घंटे में है, तो ये 500 हो जाएगा इसकी लेंथ, 500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड 300 थी, दो घंटे बाद इसकी 600 हो जाएगी। तो ये साइड आपको पता है, ये साइड पता है, ये एंगल पता है, अगेन कोसाइन लॉ यूज़ करना, वही नाम दे देना ए बी सी का, तो ए का फॉर्मूला पता है आपको, बड़ा आसानी से आप ए स्क्वायर यहाँ पे निकाल लोगे, मतलब ये पूरा डिस्टेंस आपको निकालना था। अच्छा जी, आपको सवाल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाले सवाल हैं। अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ टावर। देखो सिचुएशन ये बन रही है कि एक बंदा है, एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, भाई एक टावर है, एज्यूम कर लो ये एक पूरा टावर है, ठीक है, इस टावर के ऊपर ना एक झंडा लगा हुआ है, झंडे में आप लोगों ने देखा होगा ना वो जो एक झंडे का पूरा एक वो जो स्टील की रॉड होती है पूरी, उसको फ्लैग स्टाफ भी कहते हैं, एक और नाम भी होता है फ्लैग कुछ ऐसे, फ्लैग रोप या नहीं, फ्लैग रोप नहीं कहते, गूगल पे आपको मिल जाएगा, फ्लैग स्टाफ का एक और नाम भी होता है डिफरेंट। तो एक टावर है, उसके ऊपर उन्होंने एक फ्लैग स्टाफ लगाया हुआ, मतलब एक पूरा वो स्टील की रॉड है जिसके ऊपर कोई ना कोई झंडा होगा, बड़ा सस्ता झंडा मैंने बनाया, पाकिस्तान का बना देते हैं ये हम एक, ये टावर था पूरा, ठीक है, इसके ऊपर ये पूरा फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है जिसके ऊपर एक झंडा है, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो क्या लिखा हुआ है, द मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, ये टावर से ना 60 मीटर यहाँ पे कहीं वो खड़ा हुआ है, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये 60 मीटर है, तो यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ टावर
notices that the angle of elevation of top and bottom of flagstaff, मतलब ये flagstaff का top है और ये flagstaff का bottom है. तो अगर वो top का angle देख रहा है तो top का angle है 64, angle of elevation, line of sight और horizontal के दरमियान होता है. और जो उसका bottom है, जाहिर सी बात है उसका angle कम होगा क्योंकि नीचे देखना है उसके लिए. मतलब अगर एक चीज़ को अगर आप ऊपर देखोगे तो एंगल बड़ा होगा, अगर नीचे देखोगे एंगल छोटा होगा. इसका एंगल है 62 डिग्री. बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ का 62, इसका 64 है. लिखा हुआ क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, मतलब ये जो पूरी लेंथ है ना ये आपको यहाँ पे निकालनी है. ये सवाल है. तो इसकी मैं एक सिंपल डायग्राम बना देता हूँ. ये डायग्राम बहुत अजीब सी हुई भी है. ये दो पॉइंट हैं ताकि राइट एंगल ट्राइंगल अच्छे तरीके से हम बना लेना. तो ये जो बड़ा वाला एंगल है इसको आप बोल दोगे 64, छोटा वाला एंगल इसको बोलोगे 62 डिग्री. नाम दे देना, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी इस टाइप के नाम दे देना. आपको निकालना क्या, ये पूरा इसको फॉर एग्जांपल एक्स का नाम दे दो. कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप ना ये वाली चीज़ निकाल लेना. ये जो छोटा ट्राइंगल है ना इसको कंसीडर करना, ये वाला ट्राइंगल जो है कंसीडर करो. फॉर्मूला क्या बनेगा, टेंजेंट 62 डिग्री, ये पूरी लेंथ 16 मीटर है. ये मैंने क्लास में करवाए हुए हैं तो वहाँ भी जाके देख लेना. टेंजेंट 62 डिग्री, परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर है ए डी, डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है 60. तो 60 को जाके मल्टीप्लाई करवा देना, यहाँ पे AD आ जाएगा. AD को भी नाम दे देना कुछ, फॉर एग्जांपल Y का नाम दे देना. तो यहाँ पे आपके पास ना Y की वैल्यू आ जाएगी. Y निकालना नहीं था लेकिन Y की आ जाएगी क्योंकि उसी से आप फिर वो X निकालोगे बाद में, क्योंकि आप इस वाले को कंसिडर नहीं कर सकते ना कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट तो नहीं पता ना. अगर ये आप निकाल सकते हो तो मस्त शायद इनडायरेक्ट तौर पे निकाल लो, लेकिन डायरेक्ट तो आप खैर नहीं निकाल सकते. तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. तो एक आपने ये छोटा वाला राइट एंगल कंसीडर किया, एक आप ये बड़ा वाला राइट एंगल कंसीडर करोगे. मतलब छोटा वाला ट्रायंगल था ए बी डी, लिख देना इन ट्रायंगल ए बी डी. बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी. इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करना, इसमें एंगल था 64, बेस तो अभी भी 60 रहेगी और परपेंडिकुलर ये पूरा रहेगा ए से लेके सी तक, ये पूरा ए से लेके सी तक. ठीक है, तो अब आप क्या करना है, ए से लेके ये सिंपल इसको उधर ले जाना, टेंजेंट 64 को नीचे ले आना, आपके पास ए से लेके सी तक आ जाएगा. ए से लेके सी क्या है, बेसिकली ए से लेके सी है एक्स प्लस वाई. ए से लेके सी तक ये पूरी चीज है ना, ये किसके बराबर है, एक्स और वाई को आप ऐड कर दो तो ये पूरे बराबर है एक्स और वाई की, इसे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी. तो एक्स प्लस वाई की आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी. वाई आपके पास ऑलरेडी आया था, वाई को उधर ले जाना, यहां से आपके पास एक्स आ जाएगा जो आपको निकालना था. उसके बाद लिखा हुआ था एंगल. अब मैं कोशिश करूंगा, ये ट्राइंगल सॉल्व करना बहुत आसान है यार, कर लेना. मैं डायग्राम बस बता देता हूँ. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 60 मीटर हाई टावर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 25 डिग्री. वो कह रहे हैं कि भाई एक टावर है, टावर का टॉप देख रहे हो, 25 डिग्री एंगल बन रहा है. पॉइंट ए जो है वो बिल्कुल जो फुट ऑफ टावर है उसी के लेवल पे आप यहाँ पे खड़े हुए पॉइंट ए के ऊपर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वैसे देखने में 25 डिग्री है तो नहीं, इसको थोड़ा और दूर कर देना ताकि देखने में भी 25 डिग्री थोड़ा लगे. ये कंडीशन गिवन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट बी 20 मीटर नियरर टू ए फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. मतलब फ्रॉम द फुट ऑफ टावर से अगर आप चलो तो बी पॉइंट यहाँ पे होगा जो कि ए से 20 मीटर के फासले पे. तो ट्राइंगल, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बी पॉइंट से अगर आप देखो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है. ये चीज़ आपको निकालने को बोली भी है. तो अगेन ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी डी. वैसे नेमिंग तो एंटी क्लॉक वाइज होती है, आप चलो क्लॉक वाइज कर दो, ए बी सी डी हो गया यहाँ पे. अच्छा, उसके बाद आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, सिंपल आपको निकालना क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूरा निकालना है. अब ये कैसे निकालोगे, टावर की हाइट दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है 60 मीटर है. तो आप एक काम करना, आपको देखो ये चीज़ नहीं पता, ये चीज़ पता होती तो आप निकाल सकते थे. अब एक काम करो, आप इस पूरे ट्रायंगल बड़े वाले को कंसीडर करना. इस बड़े वाले में आपको बेस ये 20 है, इसको बी सी को फॉर एग्जांपल एक्स का नाम दे देते ना हम. तो बड़े वाले में फॉर्मूला लगाना, टेंजेंट 25 डिग्री बराबर होगा 60 अपॉन, इसको फॉर एग्जांपल वाई का नाम दे देना. तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी का नाम आपने दे दिया वाई और बी सी का नाम दे दिया एक्स. तो अच्छा वाई गिवन है, छोड़ो इसको वाई का नाम दे देना, ऑलरेडी पता है 20 है ना, तो ए बी की जगह 20 पुट कर देना. तो डिनोमिनेटर में 20 प्लस एक्स है, यहाँ पे टेंजेंट 25 है, इसको उधर ले जाना, सॉल्व करना बच्चों, डायरेक्ट यहाँ से एक्स आ जाएगा, मसला नहीं होगा आपको एक्स निकालते हुए. तो जो आपके पास एक्स आ जाएगा मतलब ये लेंथ आ जाएगी आपके पास, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये तो ऑलरेडी पता है आपको. ये एंगल निकालना है, इस एंगल को फॉर एग्जांपल आप थीटा का नाम दे देना. तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 60 अपॉन जो आपके पास एक्स आया था. तो बस जो एक्स आया होगा
उसको आप पुट कर देना यहाँ पे, सॉल्व करना, टेंजेंट थीटा का आंसर आएगा, वहाँ से टेंजेंट इनवर्स करना, वहाँ से आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा। इसी तरह 13 पे आओ, 13 में क्या लिखा हुआ है, टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट, भाई दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है। फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ समझते हैं इसको, यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई एक बिल्डिंग यहाँ पे है और एक बिल्डिंग मैं बड़ी बना रहा हूँ, उसकी वजह आप लोगों को समझ आ जाएगी। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना है, 20 मीटर है, सॉरी 100 मीटर है। अच्छा जी, फिर क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज 20। देखो जाहिर सी बात है, अगर वो सेम लेवल के ऊपर होते तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो जीरो होता, अगर वो भी यहाँ पे होता वो भी यहाँ पे होता, एंगल ऑफ एलिवेशन जीरो है। इसका मतलब ये ए बिल्डिंग है और ये बी बिल्डिंग है, तो बोल रहे अगर ए से आप बिल्डिंग बी का टॉप पे देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना पूरा, ये कितना है, 20 डिग्री बन रहा है। ये बात बोली मैं उन्होंने, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी, मतलब बिल्डिंग बी ऊंची हो गया तभी वो यहाँ से उधर देख रहा है, तो 20 डिग्री एंगल बन रहा है। और क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बेस ऑफ बिल्डिंग बी टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, जो बिल्डिंग बी का बेस है ना, अगर इससे आप बिल्डिंग ए के टॉप पे देखो तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना सवाल में गिवन है, ये गिवन है 50 डिग्री। तो बोला हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बी की हाइट ये पूरी, ये आपको निकालना है। तो मैं अलग से जरा यहाँ पे बनाता हूँ ट्रायंगल क्या बन रहे हैं। तो ये पूरा एंगल 20 डिग्री है और ये पूरा एंगल जो है 50 डिग्री है, और आपको क्या मालूम है, ये जो पूरी लेंथ है ये 100 मीटर है। नाम आप दे देना बच्चों, ए बी सी डी ई, बस हो गया ना सारे पॉइंट, ये नाम आप दे देना, नाम का मसला नहीं है। आपको निकालना है कि आपको बी से लेकर डी तक निकालना है। आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप ये वाला राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लो, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन पता है, एंगल यह है 50 डिग्री, तो आप लिख सकते हो टेंजेंट 50 डिग्री, परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, परपेंडिकुलर है ए ई, डिवाइडेड बाय बेस, यहाँ पे क्या है, बेस है 100, तो 100 को मल्टीप्लाई करवा देना, आपके पास ए ई आ जाएगा। भाई जो ए ई है ना वही बराबर होगा बी सी के, तो मतलब ए ई बराबर है बी सी के, आपके पास है बी सी आ गया, ठीक है। फिर आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करना, लिख देना इन ट्राइंगल सी ई डी या ई डी सी या सी डी ई, कुछ भी कर सकते हो, एंटी क्लॉक वाइज, इवन क्लॉक वाइज भी आप उनको मतलब कह सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे भी टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना, ये हो जाएगा टेंजेंट 20 डिग्री, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो सी डी आपको नहीं पता, बेस जो है वो इसकी 100 मीटर है, अगेन सॉल्व करना, यहाँ से सी डी आ जाएगा। तो देखो बी सी तो आपने पहले निकाल लिया था, ठीक है, इनको नाम भी दे सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल बी सी को आप एक्स का नाम दे देना, इसको वाई का नाम दे देना, तो यहाँ से आपके पास एक्स आ गया था, यहाँ से आपके पास वाई आ गया था। फिर लिखना हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग बी है, ये बॉटम से लेके यहाँ तक ये पूरी बिल्डिंग बी है, तो आप एक्स और वाई को ऐड करना, आपके पास बिल्डिंग बी की हाइट आ जाएगी। ये चैप्टर नंबर 12 जो है ना बच्चों, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज बहुत छोटी है और इसमें सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिए हैं, बल्कि मैं इसको यहाँ पे करवा देता हूँ, छोटा सा है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये मिनिमम मैक्सिमम के सवाल मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, बहुत इजी हैं। ग्राफ वाला सवाल मैंने आई गेस 12.2 थी या 12.3 थी, ये भी सॉल्व करवाया हुआ है। विदाउट इजमी कैलकुलेटर ये 12.4 है आई गेस। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था 5 को भी, कि यार किस तरह सॉल्व करना है, लेट करके आसानी से डिटेल में एक ही चीज़ मैंने क्लियर की थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 वो इक्वेशन है जो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया, 12.5 का टॉपिक है, तो इसको जरा देख लो, sec 3x इज इक्वल टू sec x। इसको कैसे सॉल्व करोगे, भाई sec को इग्नोर करो, cos की फॉर्म में कन्वर्ट करो, हो जाएगा cos 3x, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x। इक्वेशन को दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो cos 3x बराबर हो जाएगा cos x के। cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये cos 3x का फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 10 में देखा होगा, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले जो थे मुझे याद नहीं है। अच्छा पेपर में अगर आपको याद ना हो ना, तो इसकी एक जुगाड़ है, वो क्या है कि 3x को लिखना 2x प्लस x, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना cos अल्फा प्लस बीटा का, फिर cos 2x पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो फिर भी फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला इसी तरह तो आया था, अगर भूल जाओ ना फॉर्मूला तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हो। तो ये है पेज नंबर, हाँ यहाँ पे मिलेगा आपको 309 पे, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x, इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x, cos को इधर ले आना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 cos x। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करवा देना, पीछे बचेगा cos क्यूब x माइनस cos x, ठीक है। cos x कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, सो रख लेना cos x को 0 के बराबर रखना और cos स्क्वायर x को माइनस 1 को 0 के बराबर रखना। cos स्क्वायर x जो है वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब आप cos x की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ये तो सिंपल है, cos इनवर्स 0
आपको पता है कॉस इनवर्स 0 90 के मल्टीपल पे होगा, और दूसरा एंगल 3π/2 आ जाएगा। दूसरा एंगल निकालने का भी तरीका होता है वैसे, 2π में से आप माइनस कर दो आ जाएगा, लेकिन वैसे भी आप इसको समझ के निकाल सकते हो। दो एंगल यहाँ से आ जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन आपको पता है, पहले देख लें इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि रेसिप्रोकल किया तो कुछ हो सकता है मसला, तो इन दोनों एंगल को पुट करना, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करना। ये बेसिकली दो इक्वेशन है, एक है cos x = 1, एक है cos x = -1। तो सॉल्व करो, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 कहाँ पे होता है? या तो 0 पे होता है, दूसरा एंगल अगर आप निकालोगे दूसरा एंगल 2π आएगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे होता है ना, तो 0 या पे 2π। 2π को हम एज्यूम करते ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो इक्वेशन है ना cos x = 1, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आपके पास आता है 0 और दूसरा एंगल 2π आएगा। जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन में ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं 0 + 2nπ, फिर लिखेंगे 2π + 2nπ, तो वो अजीब चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे एंगल रिपीट हो रहे होंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन सिंपल क्या होता है, 2nπ। एन की जगह 0 पुट करो 0 आ जाएगा, एन की जगह 1 पुट करो 2π आ जाएगा, एन की जगह 2 पुट करो 4π आ जाएगा। तो इस ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें आप 0 लिख देना, चाहो तो 2π लिख देना, लेकिन जनरल सॉल्यूशन इसका जस्ट क्या होगा, 2nπ, दैट्स इट। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स -1, तो ये हो जाएगा पाई। दूसरा एंगल निकालोगे वही पाई आएगा, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, वही π + 2nπ, ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों चैप्टर नंबर 12 जो है वो भी कंप्लीट, हमारी जितनी रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं हमने वो सारी कंप्लीट कर ली हैं। मैं देख लेता हूँ, हाँ कोई और क्वेश्चन नहीं है इसका। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।